भाइयों बहनों क्या हाल चाल भाइयों और बहनों क्या हाल चाल ओके okay. हम वेटिंग 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 हम कब आएंगे लाइव और ओके हम लाइव आ गए खोल cool. व्हाट्सअप ये पार्ट कट कर देंगे स्टार्टिंग का तुम तो लोग बताओ क्या हालचाल क्या चल रहा है कितना फाड़ हो कितना फाड़ो भाई लाइफ में हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आप फाड़ो कि नहीं फाड़ो तो पहली चीज़ आती है भैया तुम्हारे आज के टास्क जितने भी थे कितने अचीव किए बिंग बिकम पावरफुल सिस्टम ऐसे लिख दो भाई नीचे कॉमेंट से लिख दो और बाकी लोग नीचे भी चार्ट लिखो जिस जिसने अटैक मोड ले रखा है गैंगस्टर फिलोसफी डॉट कॉम जाओ अटैक मोड उठाओ सिस्टम मैं कुछ अनाउंसमेंट कर देता हूँ बहुत जल्दी पहला चीज़ न्यूज़ लेटर कैसा लगा भाई सबको पहले तो टास्क लिखो कितना कितना उठा रहा है उखाड़ा है आजकल रिसेंटली यू नो क्या चल रहा है कितने टास्क पूरे कर रहे हो फाइव आउट ऑफ एट अमेजिंग वेरी गुड वेरी 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 गुड और जिसने टास्क का नहीं आंसर भाई न्यूज लेटर कैसा लगा पहला न्यूज लेटर आ चुका है जिस जिसके पास अटैक मोड है उसके पास ईमेल में और पहली लाइव स्ट्रीम कैसी लगी हाउ द लाइव स्ट्रीम गाइज

न्यूज़ लेटर मस्त था तुम लोगों को मैं, मैं सोच रहा हूँ ऑलमोस्ट एक हफ्ते में मे भी दो भी कर दूंगा मैं न्यूज़ लेटर क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ता हूँ थोड़ा सा मेरे को इस वक्त सिस्टम समझने में टाइम लग रहा है और लास्ट चीज़ है लाइव स्ट्रीम भी बताओ कैसी थी लाइव स्ट्रीम मैं सोच रहा हूँ यार जरा डाउनलोड करके ही ना उसको मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो में एज अ वीडियो फॉर्म एक चीज़ ये कर सकते हैं और बात की हम लोग कंप्लीटली डिस्कॉर्ड पर सोच रहा हूँ मैं हम लोग पूरा बना रहे हैं सिस्टम जिससे हम लोग कंप्लीटली डिस्कॉर्ड पर शिफ्ट कर जाएं Discord से एक चीज़ क्या होगी हमारी पर्सनल कम्युनिटी जाएगी हम सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जितने भी अटैक मोड को लेके जितने भी चीज़ें हैं हम और बेटर कर सकते हैं बाकी लोग कितने तरीके से मैकेनाइज़ या यू नो कस्टमाइज कर रहे हैं टेम्पलेट्स को वो लोग शेयर कर सकते हैं हमारी लाइफ में मैंने ये चीज़ जानी की बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी यूज़ करना ही नहीं आता थैंक यू भाई जिसने कहा फैन था न्यूज़ थैंक यू थैंक यू और दैट्स वाट आई रियलाइज फर्स्ट लाइफ स्ट्रीम से कि तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे हाथ में ब्रह्मास्त्र है क्योंकि तुम्हें यूज कर ही नहीं आ रहा उस चीज को क्योंकि तुम बेसिक प्रॉब्लम्स मुझे जो लोग पूछ रहे थे मैंने सिंपल प्रॉब्लम्स लेके फिट कर दी सिस्टम मैंने कहा देखो तुम्हारा सिस्टम ऑटोमेटिकली निकाल दे रहा है सल्यूशन मुझे तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एंड ये बात एक बहुत सत्य बात है जिस जिसने ले रखा है टू दैम मैं तो अपील करूंगा उठाओ वे वेट मत करो डोंट सिट ऑन इट अपने ज़्यादा बुद्धि मत सोचो कि ले लो इन्वेस्ट करो तुम बेहतर होते चले जाओगे उसको जितना यूज करोगे उसमें

अरे भाई तुमने ऐसा क्यों किया प्राइस बढ़ने वाला है ऑलमोस्ट मुझे दो सौ या तीन सौ रुपये बढ़ाने वाला और अठारह सौ होने वाला है क्योंकि मैं चार कम से कम वीडियो ऐड करने वाला हूँ एक पूरा पूरा मॉड्यूल है जो होने वाला है तो उसके हिसाब से तुम समझो टेक्निकली मुझे दो हजार कर देना चाहिए कोर्स देखूंगा मैं प्रॉब्लम पढ़ते हैं चीटिंग फादर मॉम इज लाइक लिविंग लाइक इफ़ शी लिव्स आई विल गो विद हर माय फ्यूचर शिट बाप नहीं देखेगा बाप नहीं देगा कुछ भी ओके okay, प्रॉब्लम क्या ब्रो तुम तो बस एक बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन बताए हो यहाँ पे दिस इज दिस साउंड ट्रैजिक यू नो तुम्हारे पिताजी चीट कर रहे थे तुम्हारे माता जी फाउंड आउट तो है माता जी वॉज लाइक फिस पर्सन बेसिकली तुम्हारी तो रागना लौदब्रुक वाली सिचुएशन है टेक्निकली अगर देखा जाए तुम देखे हो लागरथा वाली सिचुएशन होगी ना माता जी तुम्हारे कहीं यार बाढ़ में जाओ दूसरी औरत था रहना रहो तुम्हें जा रहे और तुम ई क्या हो ईवा क्या था बियोर्न हो तुम बियोर्न आयरन साइड यहाँ तो तुम पे कंप्लीटली तुम पे डिपेंड पे करता है ब्रो इट डिपेंड्स ऑन यू जिसके साथ रहना है तुम्हें लगता है मम्मी के साथ रहना है वेरी ट्रेजिक सिचुएशन मम्मी पापा का सेपरेशन इवन एंड एट योर एज इज वेरी 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 हार्ड बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड यू नो पूरी सिचुएशन को तुम समझ सकते हो सो आई गेट इट एंड आई आई थिंक यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किसके लिए क्या सिचुएशन कैसी बेहतर होगी वॉट इज़ गुड फॉर द पर्सन और यू नो रिस्पेक्टिव पीपल अगर तुम्हारे पिताजी को किसी और के साथ ही रहना है भाई खुश रहेंगे रहन दो उनको भैया तुम उनके कदमों में नहीं हो तो मे बी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों करें यू विल नॉट अंडरस्टैंड मे बी इससे अपने आपको जितना काइंड ऑफ डिस्टेंस कर पाओ इमोशनली उतना बेटर है जस्ट इन देंस कि ये दोनों खुश रहें दैट शुड बी देंटीमेंट क्या ये दोनों आपस में वो कर सकते हैं अग्रीमेंट जिससे ये दोनों खुश रहें इनकी जिंदगी ठीक ठाक चले यार ज़्यादा माथा पच्ची ना करें ठीक है भाई तुम खुश रहना तुम खुश रहो ठीक है माँ बाप दोनों है दोनों से प्यार कर रहे हैं मुझको तुम दोनों खुश रहो भाई जो भी सिस्टम है तुम लोग जिसमें तुम लोग खुश रहते हो वो बेटर है ऐसा सोचो बैंकिंग एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ तीन अटैम्प्ट हो चुके हैं मेन्स में अटका हूँ घर वाले और रेलेटि ताना देते हैं इस बार इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा यही सोचता रहता हूँ हार्डवर्क हंड्रेड परसेंट अंड टी सिक्स ना हो सन कॉस्ट फैलेसी डॉनी ब्रो पता है सन कॉस्ट फैलेसी क्या होती है सन कॉस्ट फैलेसी होती है कि भाई एक इंसान एक चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके बैठ गया है कि फिर वो आपसे निकल नहीं सकता क्योंकि वो सोच रहा है मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया आप निकल नहीं सकते के साथ प्रॉब्लम क्या होती है भाई रिलेशनशिप में कई लोग होते हैं जो कि आप रिलेशनशिप में घुस गए आपने छह साल दे दिलेशनशिप रिलाइस करो एक्चुअल इस बात का यू नो यू कम टू फाइंड बी देर इज मच बेटर पार्टनर आउट देयर फॉर माई सेल्फ जो रिलायस भी कर रहा हूँ मुझे मिल सकता है सेम चीज हो सकता है तुमने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा तुम्हारा लॉस आ रहा Actually, से ही आती है fallacy. सो so, तुम्हारा सिंपल सोल्यूशन ये है डॉनी भाई कि मे बी यू हैव टू सी ओके प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है छब्बीस साल का हो गया मैं एट सम पॉइंट मे बी मैं अपना हंड्रेड परसेंट इस चीज़ में दे चुका हूँ और भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिक्योर करनी है मुझको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मे बी मेरे को ए बी सी ऑप्शन पे अब बहुत तगड़ी तरह से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देना चाहिए माता पिता भी सरखाना स्टार्ट कर चुके हैं एंड uh, समाज का वो रूप है तो मैं समाज का सच्चा रूप दिख रहा है कि दो साल बाद तीन साल बाद समाज पलट जाता है कैसे एक इंसान की खोपड़ी पे बोझ है सत्य बोले तो अपना अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना और समाज की भी एक रेखा है पेशेंस की उसके बाद समाज तुम्हारे को काइंड ऑफ गुट में हरास करने लग जाएगा ताने कसने लग जाएगा अब्यूज़ करने लग जाएगा बोल सकता है गाली पक हो तो भाई ये तो समाज की परंपरा है भाई समाज की परंपरा है ये तो आज से पेपर खोलो पन्ना खोलो जितने लोग भी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ गाढ़ फटी उसका इंतजार मत करो कि बहन कब वो दिन आए जो मैं कहूं कि बहुत ज़्यादा देर हो गई आस आस में असली दुनिया में पता प्रॉब्लम यही है मोस्ट लोग बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब गांड फट के जब इतना चौराहा हो जाएगी जिस पे अभी तक निर्भर करके बैठे थे जो अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं जब वो छोड़ के चले जाए जब सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाए जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाए तब मेरे को लगे कि अब क्या करना है और मुझे लगे मैं कंप्लीटली जब सबसे अभ्यस होता है ना सबसे बॉटम पे आ चुका हूं तब ओके बाके खोले हाँ भैया ऊपर चढ़ना था क्या कुछ था क्या कुछ, क्या, कुछ करना था क्या जिंदगी में ऐसा भी हो रहा था क्या इस गेम में अभी आज सिंपल सा काम करो पन्ना खोलो अपने सामने एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर हो चाहे नोटबुक हो चाहे कुछ भी हो और एक सिंपल से पूछो मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरे को एक नंबर लिखो बड़ा सा वो नंबर हो सकता है दस लाख एक साल में कमाने हैं पांच लाख एक साल में कमाने हैं जो भी जिस चीज़ से शुरू करना चाहते हो और लिखो कि मैं यहाँ यहाँ पर बैठा हूँ अपना नाम लिखो नीचे और फिर देखो कि अब चाहे अट्ठारह घंटे लगे चाहे आठ घंटे लगे भोसड़ी के मैं यहाँ एक्स से ये पचास हज़ार की जो डेस्टिनेशन है यहाँ तक मैं कैसे कितने थ्योरीज कितने तरीके कितने रस्ते खोज सकता हूँ जहाँ मैं पहुँच पाऊँगा ये है तुम्हारा सोल्यूशन बैठो अपने आप से पूछो कि मैं यहां से यहां तक कितने तरीके हैं कितनी चीजें मैंने सीख ली हैं, क्या नॉलेज है क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी क्या स्किल सीख सकता हूं कितनी एक्सेस है कितने रिसोर्सेस हैं कितने सारी चीजें प्रोग्राम्स हैं जो अवेलेबल है मेरे को ये सब चीजें भोसड़ी के सुन के भूल मत जाओ सोचो जो मैं बोल रहा हूँ याचु में पॉज करके रिवाइंड करके भोसड़ी के फिर से सुन लो मेरे पास कितनी चीज़ें अवेलेबिलिटी हैं क्या चीज़ें मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं खुद से कितना कर सकता हूं, कितना मैं ऑलरेडी सीख चुका हूँ क्या ऑप्शन ए बी सी डी हैं और पूरे पूरे, पूरे फुल फ्लेजिड प्लान बनाओ अपने दिमाग में जो इंसान ऑलरेडी पचास हजार कमा रहा है भोसड़ी वाले पांच लाख के लिए क्यों नहीं वो कमा रहा है घटिया सा दो कौड़ी का गेम खरीद लिया प्ले स्टेशन लौड़ा के खेल खेल के भी गाड़ मारता रहता कोई बैठ के नेटफ्लिक्स में गाड़ मार रहा है फिर जब होगा जिंदगी में जब कोई चीज छे नहीं जाएगी तो कहोगे अरे मेरे इतने साल निकल गए भाई हम क्या कर सकते हैं जो 20 साल के बच्चे हम जिनको राय दे सके उनको करना चाहिए लाइक like वो वीडियोस होते ना I would make my 20 -year -old self do. आ, अरे आधे से दुनिया की बहन कहानी यही है कि भैया हमको अब समझ में आ रहा है अरे हमने तो बहुत छुटियापा किया अरे हमने बहुत टाइम वेस्ट किया बे तेरे को इस वक्त अगर तू देखे जिस जो भी चीज़ तू कर रहा है उसका रिटर्न तेरे को घंटा नहीं मिल रहा ना कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में मिल रहा है ना किसी भी तरह की अध्यात्म मिल रहा है या तो आत्म सुख मिल रहा हो आत्मचैन मिल रहा हो सेल्फ नॉलेज मिल रही हो तो मैं समझ सकता हूँ भाई हर चीज़ में मैं काम से एक चीज समझना काम का मतलब ये नहीं है घोड़े की तरह बस काम करो किसी कंपनी के लिए किसी उसके लिए और तुम्हारे अंदर खुद कोई वो नहीं है यू हैव यू आर नॉट एन एग्जिस्टिंग बॉडी जो कि नोशंस आइडियाज प्रिंसिपल्स कोड्स क्रिएटिविटी इन सबसे डिफाइन कर रही हैं अपने आपको मैं ये कह ही नहीं रहा हूं वो सिर्फ मशीन है किसी एक बड़ी यू नो ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए उसके लिए मैं नहीं कह रहा काम कुछ भी हो सकता है कार्य कर्म बैठो सोचो पढ़ो पढ़ना भी काम है शौकिया पढ़ना भी काम है लेट के सोचना भी काम है सृष्टि के बारे में सोचना काम है अपना रिलेशन सृष्टि से क्या है अपनी आत्मा के बारे में सोचना काम है सब कुछ काम है धर्म के बारे में सोचो डिबेट करो सब कुछ करो कोई रोक रहा है के लेकिन मत मरवाओ मरवाना सबसे ज्यादा तो कौड़ी की चीज है है जो आज के समाज में इंसान कर रहा है या कोई भी इंसान जो कर सकता है अपने जीवन के साथ तुम पैदा हुए हो तुमने जन्म लिया है भोसड़ी के अरे नियगर की बात है ना कि मैं दुनिया में ढूंढना चाहता हूं दुनिया को देखना चाहता हूं सांस लेना चाहता हूं क्यों क्योंकि मैंने जन्म लिया है माधर चौथ अपने जन्म के साथ कुछ वैल्यू तो असाइन करो पैदा हो अब कहो कि भाई मैं एक झाँट भर की दो कौड़ी की जिंदगी नहीं चींगा आई एम मोर देन द प्लेस आई एम बोर्न इन देन द हाउस आई एम बोर्न इन देन द स्किन कलर आई एम बोर्न इन देन द जात दैट आई एम बोर्न इन देन द नेशन दैट आई एम बोर्न इन हर चीज से मैं मुझे लगता है मेरे कर्म मेरी क्रिएटिविटी मेरा जितनी भी एनालिटिकल एबिलिटीज हैं मे बी वो डिफाइन करेगी मैं कौन हूं और वो कुछ ज़्यादा है मैं सिंपल एक स्टेटिस्टिक एक नंबर एक ग्रुप का एक पार्ट नहीं हो सकता मैं एक भीड़ का चेहरा नहीं हूं तो भाई सिंपल सी चीज करो गेम के हिसाब से कागज में रखो अपने जीवन को जीवन कहो ये पूरा कागज जीवन है भोसड़े के मैं यहां एक तिनका हूं जरा सा झाड़ और मुझे यहां पहुंचना है और ये तो अभी बीच में है पचास हजार शुरू करो अपना गोल तो बोड़े पांच लाख से पचास लाख पहुंच सकते हो शुरू तो करो काहे को अपने आप को लिमिट कर रहे हो तो मेरे भाई ए बी सी डी शुरू करो जज्बा लाओ डरो मत हो जाएगा आज जो गाली बकरे कल वो वाहवाही कर रहे होंगे ये है सत्य जीवन का इंसानी सोच की कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है सेम इंसान और हर इंसान और जीवन अगर ये बात समझ पाए तो गाढ़ फाड़ दोगे जीवन की मूल रूप से सब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है आज जो तुमसे जो कुछ भी कह रहा है कल वो उसको कर देगा, उसको दो सेकंड लगे करने में कोई परेशानी नहीं है तुम जो कर रहे हो और जो तुम कहते हो, उसमें है। जीवन जैसे परेशान ना हो जिसने कोई गाली पक दी कल वो ऐसे स्वर में इतनी खूबसूरत बातें तुम कहोगे वाह और भूल जाओगे कोई गाली पक रहा था डिपेंड किस पे करता है तुम अपने आप को कैसे देखते हो फिर तुम अपने इस शरीर के साथ क्या करते हो अगर उसको लेट के मोटा कर रहे हो यूर कर रहे हो तो क्या होगा क्या होगा समाज हार पे लाएगा तुमको क्या पता पहना दे भाई मर गए कोई भरोसा नहीं समाइम फील इनसिक्योर अराउंड रिगार्डिंग बींग अलोन विच फोकस गेट अवे फ्रॉम वर्क दस टेक्स टाइम टू गेट बैक फोकस एंड एग्जाम्स आर नियर मेरे को कुछ नहीं आया क्या बोला तुमने फील इनसिक्योर अराउंड रिगार्डिंग बींग अ लोन विच फोकस गेट्स अवे फ्रॉम वर्क बाय हिंदी में लिख देते दस टेक्स टाइम टू गेट बैक फोकस एंड एग्जाम्स आर नियर वैसा पता प्रॉब्लम क्या है मैं बहुत स्पेसिफिक मैं बहुत स्पेसिफिक तरीके से चीजों को देखता हूँ तुम अगर मेरे को स्पेसिफिक नहीं दे रहे हो एक्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट क्या कहना चाह रहे हो मेरा दिमाग कंप्यूटर नहीं कर पाता अब मुझे समझ में आ रहा तुम बोले क्या हो इनसिक्योर है अकेले होने में जो फोकस हो जाता है काम करने से दस टेक्स टाइम टू गेट बैक फोकस एग्जाम पास है एग्जाम करीब आ रहे हैं काम नहीं हो रहा ये कह रहे हो और अकेले अकेलापन बॉदर करता है तो भाई सिंपल सी चीज देखो इसको थ्री स्टेज जर्नी बना लो ठीक है पहली जर्नी है मैं अकेला हूँ दूसरी जर्नी है एग्जाम्स तीसरी जर्नी है सॉरी जर्नी कह रहा हूँ तीसरा स्टेप हो जाता है फोकस तो ये तुम्हारे पास तीन एलिमेंट हैं अकेलापन एग्जाम फोकस तो मे बी अगर मैं फोकस कर लूँ एग्जाम में तो मेरी जिंदगी बेहतर होगी मैं ऊपर निकलूंगा मैं बाहर निकल पाऊंगा अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी या जो भी चीजें हो रही है वो बेटरमेंट की तरफ ही जाएंगी तो लोनलीनेस को सॉल्व करने के सोल्यूशन एक्चुअल में और ज्यादा आएंगे जीवन में तुम तो जितना ज्यादा अपने आप को अकेला रखोगे और अकेला रख के हानि करोगे अपने जीवन की उतना ज्यादा अकेलापन और बड़ा होता है और तब्दील होता है कन्वर्ट होता है लोनलीनेस में अलोननेस और लोनलीनेस दो अलग चीजें हैं कंप्लीटली इस बात को समझना अलोननेस से भयंकर सुपर पावर कोई नहीं है लोनलीनेस से सबसे भयंकर विलन की सुपर पावर कोई नहीं है लोनलीनेस इज अ सुपर पावर जो तुम्हारे मारी गई है समझ गए वो इट्स लाइक like टेकिंग अ ब्रह्मास्त्र का तुम्हारा इंपैक्ट एंड अलोननेस इज हैविंग योर ओन ब्रह्मास्त्र तो तुम अभी कहां बीच में हो कहीं के तुम लोनलीनेस तुम्हें सता रहा है और अलोननेस की तुम्हारे पास कंडीशंस हैं तुम्हारे जीवन में तो भाई मे बी अलोननेस का इस्तेमाल कर लो और समझो इस अलोननेस में जितना भी मैं प्रिजर्व कर सकता हूँ खेल सकता हूँ फोकस करके सिर्फ एग्जाम पे, सिर्फ एग्जाम पे, सिर्फ एग्जाम पे और जितना भी एक्स्ट्रा टाइम बन रहा है उसको मैं क्या करूँगा प्रिपेयर करूँगा कि मैं अपनी पर्सनालिटी कैसे बढ़िया कर सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूं मैं वर्क कर सकता हूं मे बी इन रीडिंग थिंग्स मेरा इंटरेस्ट किन चीज़ों में है मेरा क्या इंटरेस्ट है किन चीजों में बहुत सुंदर क्वेश्चन है जिस दिन अपने आपको रील्स देखना और ये सब दो, दो कौड़ी का जो टट्टी भरा कंटेंट है उससे मुक्त कर दोगे उस दिन दिमाग को शांति मिलेगी और दिमाग शांति में सोचता है तुम्हारा तो दिमाग पहली बार तुम्हें बताएगा वो क्या करना चाहता है उसका कहाँ मन है द यूनिकनेस जो ह्यूमन एक्सपीरियंस की हम कहते हैं कि हर इंसान यूनिक है इवन दो साले मास में इंसान देख क्या रहा है सेम कॉन्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन देखो एक तरफ इंसान कहता है पर्सनालिटी थ्योरीज के हिसाब से जेनेटिक्स के हिसाब से कि हर इंसान

चार लाख लोग खड़े कर दो और चार लाख लोगों को कुछ मनोरंजक या मनोरंजक दिखाओ तो वो सब उधर देखेंगे इसका मतलब ये नहीं वो जस्ट बिकॉज चार लाख या चार करोड़ लोग उस तरफ देख रहे हैं तो वो सेम बुद्धि के हैं इसका मतलब क्या है कि हम सब इस वक्त डिस्ट्रैक्टेड हैं बाय समथिंग वही चीज़ ऑफ कर दो तो चार करोड़ लोग चाहे हर्ड में भी हों एक दूसरे के अगल बगल लेकिन अगर उनके पास टाइम मिल रहा है इंडिविजुअली बैठ के सोचने का और उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो उनका बुद्धि उनको पहली बार मिलेगी उनसे टॉक टू योर सेल्फ जब तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि से तुम मिलोगे तो तुम्हारे को पता चलेगा तुम्हारे अंदर एक और बींग एग्जिस्ट करता है जिसकी एक बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी है उसको कहते हैं हम यूनिकनेस हुआ क्या है आज के टाइम पे इंसान अपने साथ बैठना ही छोड़ चुका है क्योंकि एक सेकेंड में हम फोन उठा लेते हैं और हम शुरू जाते हैं अपनी बुंड मरमाना या तो गौसर में चले जाएंगे या फिर इस दो कोड़े के कॉन्टेंट चले फिर हम यूट्यूब पर बैठ के ड्रामा देखने लग जाएंगे या फिर हम ये चुदाप वो चुदा किसी ना किसी तरह की बक्चौी में तुम बिजी हो और तो बिजी रखती है ठीक है अब लेस जैसे तुम क्या करते हो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ सिंपल सी बात तुम ये फोन उठा के फेंक देते हो एक घंटा हो जाता है बेचैन रहोगे दो घंटा बेचैन रहोगे अन आएगी क्योंकि एक पैटर्न है तुम्हारा देखने का भाई वो ब्रेक हुआ तुम कहोग बहुत मन कर रहा हूँ इसको अच्छा नहीं लग रहा एक टाइम बाद ये जब जो बेचैनी है ना यह हार जाएगी यू विल विन फिर तुम्हारा दिमाग आएगा अच्छा भाई क्या चल रहा है जिंदगी में वहां से कॉन्वर्सेशन शुरू होती है तो मेरे भाई तुमको क्या करना है अगर अलोननेस में बैठे हो यहां पहुंच जाओ लोनलीनेस होती है बेचैनी हमारे जीवन में कोई है नहीं और लोनलीनेस होती है बेचैनी से शुरू हुए लेकिन एक्चुअल में बायोलॉजिकल लेवल पे कोई इंसान है ही नहीं जो तुम्हें किसी भी तरह की सपोर्ट दे रहा है किसी भी तरह का साथी है तुम्हारा किसी भी तरह का तुम्हारे जीवन में तुमको मिल रहा है इंट्रैक्शन इमोशनल सोशल किसी भी तरह का वो बहुत डरावनी चीज है तो तुम्हें उसको अवॉइड करना है अलोननेस कंप्लीटली मिल सकता है तुम चाहे पाँच हजार लोगों के साथ हो तब भी उसका लोगों को कितनी दोस्तियां हैं तुम्हारी कितनी हो रखी है कितने बच्चे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ फर सकता डजन फकिंग मैटर अलोनेस इज़ अ स्टेट जो तुम और तुम्हारे दिमाग का रिश्ता है उसमें अलोनेस वाला इंसान बस अपने लिए टाइम निकालता है जब उसको टाइम चाहिए अपने लिए अपने साथ बैठता है वो फ़ोन को फेंक देता, देता है सब कुछ फेंक देता है और खूब गंभीरता से खूब आराम से लेटता है वो सोचता है और अपने साथ एक बहुत हेल्थी रिश्ता मैंटेन रखता है तो तुम्हें ये चीज़ समझो अलोननेस में अगर तुम हो अभी तो तुमको क्या चाहिए मेरे को ऑफ कोर्स एक सोशल सर्कल चाहिए इमोशनल सर्कल चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को वैल्यू वाला इंसान बनना पड़ेगा यानी कि भाई मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया को ऑफर करने के लिए प्लीज़ मैं अमेरिकन हाई वैल्यू वैल्यू की बात नहीं, नहीं कर रहा हूं जो वो बातें करते हैं तो टर्म्स के यूसेज अलग होंगे जस्ट बिकॉज टर्म्स सेम लग रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हाई वैल्यू लड़ा सुन की बात नहीं कर रहा हूं मेरे वैल्यू से मतलब है इंसान जो दो स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है एक है वॉम्थ यानी कि तुम काइंड हो हेल्पफुल हो लोगों के साथ बैठते हो लोग तुम्हारी तुम्हारी कंपनी इंजॉय करते हैं तो मैं वो उस तरफ आगे बढ़ना है और वो हम सब के अंदर काफ़ी हद तक नेचुरली आता है हम तमीज़ से अगर हम कोशिश करें तो हम बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं बदतमीजी जो कर रहा है वो भी उसको पता है मैं बदतमीजी कर रहा होता हूं उसको पता होता है दिमाग में दूसरी तरफ आता है तुमको कुछ ऐसा लेके आना पड़ेगा कि लोग तुम्हारे साथ बैठना चाहें वहां पर आ जाता है कॉम्पिटेंस वहां पर आ जाता है अमेरिकन नोशन हाई वैल्यू पर्सन का कि जिसने जितना ज्यादा उखाड़ा समाज में सोशली हम उसके साथ उतना ज्यादा बैठना चाहते हैं हमें उसमें रिसोर्सफुलनेस दिखती है विजडम दिखता है स्ट्रेंथ दिखती है कॉम्पिटेंस ये जितने सब उसके अंदर आ जाते हैं चीजें तो हम अट्रैक्टेड उससे भी होते हैं तो मेरे भाई तेरा एग्जाम जो आ रहा है जिंदगी में एग्जाम को पता है ऐसे देख माँ चुदाए मार्क्स मा चुदाए सब कुछ ये सिंपल एक स्तर है इट इज ओनली अ स्टेटस स्टेटस नहीं कहूंगा ये एक हर्डल है जो तेरे को पास कर रही है ताकि तू इस हर्डल को तोड़ना सीख जाए एग्जाम्स को फोड़ना इसलिए सीख लो आउट ऑफ हैबिट क्योंकि जितना एग्जाम्स वर्ड की धज्जियां उड़ाते हो तुम उतना जिंदगी में तुम देखो कि चीजों में रिवॉर्ड कर रही हैं यानी कि तुम्हें कर्म करना है फल की इच्छा नहीं करनी फल क्या हो गया नब्बे प्रतिशत नहीं चाहिए तुमको वो आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन तुम्हें कर्म इसलिए करना कि इसकी तुम्हें लगा दूंगा तो जीवन में जिसने एग्जाम्स की चट्ठी उतारना सीख लिया बहुत ढंग से वो एग्जाम की चड्ढी उतारने से प्रेम करता है उसको मार्क्स से मतलब नहीं है मार्क्स तुम्हारी जितनी ना डिफाइन कर पाएंगे तो मेरे भाई प्रेम लाओ कि एक एग्जाम है एक चैलेंज है चैलेंजेस तो मुझे बड़े पसंद है भाई जिंदगी वरना बोर है बोरिंग चीज है भाई चैलेंजेस तो होने चाहिए ना जीवन में एक से एक गजब चैलेंजेस नहीं होगा जिंदगी भर रोमांच नहीं है रोमांच नहीं है यार नो यार नो एडवेंचरिज्म थोड़ा बहुत है ना कि आओ इसकी मारे दो लपेड़ आओ चैलेंज हो पता है किससे भीड़ हो ये फीलिंग होनी चाहिए ना तुम्हारे अंदर चैलेंज को नहीं पता किसके सामने आ गया है वो आओ तुम्हें बताएं तुम्हारी औकात क्या है एग्जाम है ठीक है तुम्हारे पास कंडीशन है तुम अलोन हो ठीक है उन कंडीशन को कंप्लीटली अलाइन करो फोकस लाओ और अपने दिमाग में अपने आप से मिलने के अंदर स्टेप्स लो कुछ और लास्टली क्या है भाई इधर देखो कि यार यहाँ मेरे को सोशल अगर इमोशनल वो चाहिए देन मेक दैट अ गोल उसके लिए कॉम्पिटेंस है ही और अवॉर्म uh, है तुम्हारे अंदर इसके लिए बस धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग लगते हैं उनमें तुम अपनी नॉलेज एकत्रित करना स्टार्ट करो अपनी पर्सनैलिटी को कल्टिवेट करो डिफॉल्ट तुम्हें लोग लाइफ में तुम्हारे साथ बैठना शुरू हो जाएंगे बस उनको डिस्टेंस मत करना उसके बाद और अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो वो थोड़ी सी और गंभीर प्रॉब्लम हो गई मुझे ओ सी और डायग्नोसिस तीन साल पहले हुआ था और अब ये बढ़ गया है साइकोलॉजिस्ट साइकट्रिस्ट के पास के बस कहा नहीं हो रहा ठीक करना और मैंने भी छोड़ दिया बट इस वजह से बहुत ड्राइंग नहीं कर पा रहा और लाइफ हॉलो हो गई है क्या करूं ओसीडी है और वाई डायग्नोसिस आई डोंट रोट मुझे ओसीडी है और वाई डायग्नोसिस ठीक है तो मेरे भाई एक बात समझो साइकाइट्रिक जो तुम बता रहे हो जो डिसऑर्डर्स हैं ये सब चीजें जो हैं भाई इनका तो चो अलग लेवल पे है ही है ब्रो इस पे तो मैं समझ सकता हूं अब तुम कह रहे हो मैं मीनिंग एक्वायर करना चाहता हूं ठीक है भाई लाइफ में लेकिन आई एम एजिंग बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उतनी खराब नहीं चल रही राइटी है चलो ठीक है तुम्हारे को लेकिन तुम इसको ऐसे समझो पहली चीज तुम्हारे को तुम्हारा धर्म बना लेना चाहिए वो है इसके बारे में कितनी गहराई से खुद से पढ़ सकता हूं मे बी साइकोलॉजी और साइकैट्रिस्ट पे रिलाई नहीं करता दूसरी बात साइकोलॉजिस्ट में भी देखो कितने प्रकार की थेरेपी होती है जो ओसीडी के लिए परफेक्ट है साइकोलॉजी वर्ड एक बार मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है साइकोलॉजिस्ट इज अ ब्लैंकेट टर्म देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ थेरेपीज जो कि कंप्लीटली एक चीज के लिए बनाई गई हैं वो उस पर वर्क करती हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है वो उनके लिए बनाई गई हैं वो हर चीज के लिए नहीं है हर साइकोलॉजिस्ट का मतलब ये हुआ सब चीजों के लिए नहीं बना स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिक चीजों में पाँच साल से छः साल की ट्रेनिंग करते हैं मुझे नहीं पता इंडिया में ट्रेनिंग सिस्टम है कि नहीं है बट टेक्निकली यूरोप और अमेरिका और कैनेडा इन सब कंट्रीज में ट्रेनिंग होती है तो आप जो यूंगन साइकोलॉजिस्ट हो गया वो यूगियन टाइप की थेरेपी के लिए काम कर रहा है कोई इमोशन फोकसड थेरेपिस्ट हो गया वो इमोशन फोकस्ड थेरेपी में काम कर रहा है उसके अंदर वो उस पर काम करेगा वो वो थेरेपी उसको आती करना वो बाकी में उसको नहीं आता करना वो पेशेंट भी वो लेगा जो इमोशन फोकस्ड थेरेपी रिसर्च में जिससे प्राप्ति हुई है कि भाई इन इन चीज़ों पर वर्क करती है कॉग्नेटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट हो गया सीबीटी वाला वो सीबीटी कर पाएगा वो इमोशन फोक्स थेरेपी नहीं कर पाएगा वो यूंगन थेरेपी नहीं कर पाएगा वो रोजेरियन थेरेपी नहीं कर पाएगा वो तुम्हारा समझ गया ना तुम क्या कहना चाह रहा हूँ भाई थेरेपी भी बहुत सारे प्रकार की होती है जिनको पीटीएसडी होता है उनके लिए अलग प्रकार की थेरेपी होती है जो इनको तो पीटीएसडी हुआ है हो सकता है उनके लिए शायद रोजेरियन थेरेपी और ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी अब समझो ये सब हमें पता ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मैं जितना अब जान पाया हूं पर खच्चेड़ हुए हैं थेरेपी के नाम पे जो हो रहा है उसके यहां पे आई डोंट नो मेरी जितने लोगों से बात हुई मैंने पूछा कि यहां पे ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है लाइसेंसिंग सिस्टम क्या होता है क्योंकि अगर आपने मास्टर्स कर लिया है तो आप साइकोलॉजिस्ट बनते हो अगर कोई किसी के पास मास्टर्स है इंजीनियरिंग में तो उसको हम इंजीनियर कहते हैं मास्टर्स है किसी के पास न्यूरोसाइंस में हम तो न्यूरो साइंटिस्ट कहेंगे साइकोलॉजी में किसी ने मास्टर्स कर लिया तो वो साइकोलॉजिस्ट है थेरेपिस्ट नहीं है वो तो थेरेपी करना नहीं आता ये फर्क लोगों को नहीं पता होता उसने मास्टर्स किया हुआ है या फिर प्रॉब्लम पीएचडी कर रहा है वो तो चलो ठीक है वो डॉक्टरेट कर रहा है रिसर्च कर रहा है थेरेपी नहीं आती थेरेपी के लिए अलग पाँच साल लगते हैं जहाँ पे मैं जहां देख रहा हूं वहां पे थेरेपिस्ट को ट्रेन किया जाता है थेरेपी होती क्या है और थेरेपिस्ट की थेरेपी होती है ताकि ये थेरेपी कर पाए फिर उसको लाइसेंस मिलता है फिर वो थेरेपी स्टार्ट कर सकता है अपनी उसके लिए उनको नौ से पता नहीं कितने प्रकार की थेरेपी की चॉइस होती हैं तुम्हें एक चूज करना है उनमें से फिर हो गया क्लिनिकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो होता है डिसऑर्डर्स और इन सब के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी अब क्या करेगा वो अपनी स्पेशलिटी देख लेगा बाइक इनकी चीज़ों में उनकी कहेंगे हाँ मैं ज्यादा पेशेंस लेना चाहता हूँ और बाकियों में वो कहेंगे भैया आप इनके पास जाओ उनके पास ज़्यादा इस पर ज्यादा काम किया हुआ इस पर्टिकुलर इंसान ने तो दूसरों को रिकमेंड कर देंगे अब तुम्हारे को क्या बनता है दो तरह से इसको देखो तो मैंने पहला क्या कहा सोल्यूशन जितना पढ़ पाओ जो भी तुम्हारा डिसऑर्डर है उतना बेहतर है नॉट जस्ट फ्रॉम वेबसाइट मे बी यू नो गूगल स्कॉलर पे जाओ टाइप करो जितनी रिसर्चेज आ रही हैं जितनी तुम्हारी स्टडीज ओपन है वो पढ़ो गूगल करो कि तुम्हारी किस तरह की थेरेपी वर्ट थेरेपी वर्क फॉर ओ सी डी बेस्ट ये क्वेश्चन करो देखो थेरेपीज क्या हैं अब दूसरा जो इसका सोलूचना मैंने बताया तुम्हें लगता है इंडिया में वो चीज़ नहीं है ये बात भी गलत है इंडिया बहुत वा, वास्ट कंट्री है इंडिया में ख़तरनाक चीज़ क्या है कि सोल्यूशनस भी हैं लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत हैं एंड होता क्या है अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम सोल्यूशन के नाम पर प्रॉब्लम के पास पहुंचते रहोगे बिकॉज इंडिया में क्योंकि बहुत हद तक कितनी चीजों का अभी रेगुलेशन नहीं हो रहा स्ट्रिक्ट लेवल पे कि किसी का लाइसेंस या फिर किसी को जेल जाना पड़े तो होता क्या है कोई भी को साइकोलॉजिस्ट बनकर आई मज्यूम है ये बात हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं बट आई डोंट थिंक जिसके पास लाइसेंस है ऐसा बैठ के ट्रेनिंग करी है पूरी पांच साल की छह साल की और फिर उसने थेरेपी का अपना वो खोला है ऐसा नहीं हो रहा वहाँ पे सिस्टम कितने लोग हैं जो कि सिंपल शायद मास्टर्स वास्टर्स कर लिए वो अब थेरेपी कर रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता जितने लोगों से मेरी बात हुई काफी लोगों से मेरी इंडिया में बात हुई है और वो बता रहे हैं उन्होंने थेरेपिस्ट के पास गया उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं मुझे जो थेरेपिस ने ये बोला मेरा दिमाग उड़ गया भाई मतलब विकीपीडिया पेज का जो बेसिक लेवल होती है नॉलेज वो तक से भी भद्दे आंसर थे एंड दैट्स आई यहाँ पे सिचुएशन खराब है यहाँ पे थेरेपी के नाम पे आई डोंट थिंक लाइसेंसिंग और ये सब वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे आदमी मैंने क्या बोला सल्यूशन मिलेंगे पर तुम्हें खोजना पड़ेगा बहुत भयंकर लेवल पे और उसके लिए नॉलेज चाहिए कि मैं खोज क्या रहा हूं प्रिसाइसली मैं क्या खोज रहा हूं नॉलेज तुम्हें, तुम्हें दे रहा हूं पर्टिकुलर डिसऑर्डर के बारे में करो, फिर देखो क्या करती है? और जितने अमेरिकन जितने कैनेडियन ये सब जो सोर्सेज से से है फिर वो थेरेपी में जिसके पास स्पेशलिटी है या फिर वो थेरेपी का जो थेरेपिस्ट है इंडिया में क्योंकि सोल्यूशंस हैं वास्ट पॉपुलेशन है इंडिया में खूबसूरत चीज़ क्या है एवरीथिंग थिंग एग्जिस्ट बहुत सारे कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या हो जाती है चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे कोई किसी ने वो ट्रेनिंग ही नहीं कराई इंडिया में भहंगे लेवल पर पॉपुलेशन है भहंगे लेवल पे लोग बाहर पढ़ पढ़ के आए हैं तो तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी पूरी थेरेपी की वो बाहर से करी हुई है पूरी तो वो एक्चुअल में गजब ट्रेन थेरेपिस्ट हैं

अपनी जिंदगी उस चीज को दी है करने के लिए उसने जितनी लिटरेचर पढ़ रखी है जैसे कोई हद नहीं है क्योंकि मुझे OCD का पता नहीं है कि बेसिस बायोलॉजिकल है आई अज्यूमिंग न्यूरल बेसिस है उसका तो कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? क्या क्या चीजें हैं जो तुम प्लेस कर सकते हो बिहेवियर में कितनी थोड़ी सी बिहेवियर भी होती होगी आई डोंट नो तो बे मे बी ब्रदर ये जो मैंने बातें बताई हैं इन पे थोड़ा सा अमन करो देखो माइंडफुल माइंडफुलनेस भी थेरेपी तो पता है लोगों को पता नहीं बट वन ऑफ द बर्जनिंग फील्ड जो है इस वक्त साइकोथेरेपी में या फिर तुम्हारी थेरेपी के साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस है कंप्लीट जैसे सीबीटी है जैसे तुम्हारे साथवार्त। यू नो इमोशन फोकस थेरेपी हो गई सीबीटी हो गई साइकोथेरेपी हो गई और तुम्हारा और भी होती हैं बहुत सारी यार उसके अलावा अब कंप्लीटली माइंडफुलनेस फोकस योगा फोकस थेरेपीज जो सिर्फ तुम्हारे को आ रही है कि भाई मेडिटेशन और योगा से तुम्हें क्योर करेंगे और ऑब्वियसली उसके साथ थेरेपी भी होगी और उनमें तगड़ी रिसर्चेज है एक्चुअल में तुम्हारे एंगजाइटी के साथ हेल्प कर रही हैं वो डिप्रेशन के साथ हेल्प कर रही है, उनकी हैं उनके तुम्हारी बहुत रिसर्चेज है तो वो एक्चुअल में इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग फील्ड आ रही है इमर्ज कर रही है साइकोलॉजी के अंदर तो देखो मे बी उस में, में तुम्हें ऐसे मिले थे कुछ तो तुम्हें स्ट्रेंड वे में एक्जैक्टली तुम्हें बता पाएँ कौन सी योगा के आसन हैं कौन सी चीज़ें किस तरह का योगा है ऐसा नहीं हो योगा के साथ खेल रहे हैं टर्म्स सब कुछ वो वही रखते हैं कौन सा ऐसे हाथ है योगा तो उसको वो बोलेंगे या कौन सा भी जो भी योगा यूज़ कर रहे होंगे वो एक्जैक्टली exactly तुम्हारे को बताएंगे ये वाला योगा हम तो मैं सिखाएंगे ये वर्क करता है इसके साथ या कौन सी मेडिटेशन प्रैक्टिस है एग्जेक्टली exactly वो बताएंगे क्योंकि ये रिसर्चेज हो रही हैं तो वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं स्टडीज़ में कुछ भी वेग नहीं हो सकता तो बहुत ही स्पेसिफिक वे में ही बताएंगे तुम्हारे क्या वर्क करता है क्या नहीं करता यार सो आई होप दिस आंसर हेल्प्स यू यार ठीक है आई एम इन रिलेशनशिप इट्स विन फाइव ईयर्स बट कोई थर्ड पर्सन आ गया आई सफर फॉर वन ईयर बहुत मुश्किल से चीज़ें ठीक हुई हैं पर स्टिल मेरे अंदर एक फियर डेवलप हो गया है गुस्सा वो नहीं समझ आ रहा वो नहीं समझ रही मैं बताया फिर भी वेट थर्ड पर्सन आ गया उसकी जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी में दूसरे प्रश्न आई सफर ओके गया उसकी जिंदगी में आया ऑबियसली तुम सफर किए बहुत मुश्किल से चीजें ठीक हुई बट स्टिल मेरे अंदर एक फियर डेवलप ऑब्वियसली ट्रस्ट टूट गया ना यार तुम्हारा ट्रस्ट टूट गया भाई अब ट्रस्ट तुम पूरा तुम मोस्ट लोग जब ये होता है निकल लेते हैं क्योंकि तो वो कहते हैं भाई भाड़ में जाओ राइट अगर तुम रिलेशनशिप में पाँच साल और कोई दूसरा इंसान आ गया और इंसान कह रहा है आहा, आहा, तो भाई मोस्ट लोग कहते हैं भाई ये तो हम नहीं पैदा हुए सहने के लिए इतने तो बुरे दिन तो नहीं आ गए कि भाई दूसरा इंसान आके तुम्हारे को आ, कुछ भी यू you नो know, जो भी जीवन में चल रहा है हम बैठ के बैठ के हम कहें उसके बाद चलो ठीक है मैं माफ कर दूंगा आगे बढ़ो अनलेस इसमें भी ऑब्वियसली हर चीज़ में होते हैं अनलेस तुम्हारे भाई लाइफ में बच्चे हैं अनलेस तुम्हारा सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि तुम भी चीट कर रहे थे कहीं वो भी चीट कर रहा है कि तुम कंप्लीटली भयंकर लेवल पर इग्नोर किए हुए थे अपने परिवार को एंड तुम फिर कहते हो कि आई अंडरस्टैंड आई काइंड ऑफ सी वाई दिसन बिकॉज आई डेंट गिव अ फक आई लिविंग लाइफ इन अ वे जैसे कि सामने वाले को फील हो कि भाई तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो काफ़ी रिलेशनशिप्स काफ़ी मैरिजेस काफ़ी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं मैं नहीं कहूंगा अर्ली रिलेशनशिप बट शादियों में इस समय बहुत होता है कि भयंकर लेवल पे इंसान ने दूसरे इंसान को कंप्लीटली भुला रखा है शादी में है लेकिन कुछ प्यार नहीं है कुछ नहीं है तो उसमें क्या हो जाता है इंसान को कोई दूसरा मिलता है इंसान को भाई प्यार चाहिए हमारा अंदर सेलुलर लेवल पर हमारी नीड है प्यार मिले तो वहां पर चीटिंग हो जाती है चीटिंग भी तो गलती है लेकिन भाई रिलेशनशिप भी तो फिर खिचड़ी है ना खिचड़ी में इतनी जब इतने सारे तुम वेरिएबल्स फेल दोगे फिर इंसान कर देता है फिर कहता है हाँ 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 फिर तब तुम मैं कह रहा हूं कि बेसिकली तब भी हो सकता है कि तुम कहोगे चलो मैं समझ सकता हूं जो भी हुआ उसमें मेरा भी है कॉन्ट्रीब्यूशन और हर चीज का सोल्यूशन बस तबाह कर देना तोड़ देना नहीं है तुम्हारी सिचुएशन तुम्हें यहां पर पूछना मेरे भाई मोस्ट लोग जिस चीज से निकल लेते हैं राइट आइडियल सिचुएशन में जाते कि मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम थी भाई तुमने मुझसे कम्युनिकेट क्यों नहीं किया हुआ, हुआ, ट्रस्ट नहीं करते इस इंसान से, इस तुम ये चीज़ अपने अंदर पूछनी है क्योंकि तुम उस इंसान पे नहीं डाल सकते मैं तो रिलेशनशिप में रहूंगा तो दो चॉइसेस हैं या तो तुम क्या कर रहे हो उसको पैसे रोज कोसते हो तुम और तुम सोच रहे हो अभी भी काइंड ऑफ वो गुस्सा निकालता रहूंगा सामने वाला आप देखेगा कहेगा कि भाई जो भी था वो मुझे लगता है सॉल्व हो गया है और तुम अब ऐसे बिहेव कर रहे हो कि वो चीज तुम जिंदगी भर मेरे गले के राउंड डाल के रखोगे पंदे की तरह तो तुम जहां पर वेर यूर बिकॉज भाई एक सिंपल सी चीज है तो दो सोल्यूशन थे एक था या तो तुम निकल जाते और तुम आज मिट्टी काइंड ऑफ पाप आते इस चीज से हाथ धो बैठे होते हो और तुम कहते चलो अब मैं खुश हूं जिंदगी जी रहा हूं खुशी से दूसरी चीज ये है तुम यहां पे अब ऐसे घुस गए हो जहां पे यह खत्म हो गई होगा और वो सामने वाला ही तुम्हारे साथ खत्म करेगा ये चीज समझ लो तो तुम्हें अपने साथ बैठना है और समझना है कि मैं हूं कहा टेक्निकली अपनी जिंदगी में मैं हूं कहा पहला क्वेश्चन तो तुम्हें अपने आप से पूछना है वो ये हैिविन दिस पर्सन डीप इनसाइड झांक के देखो इस इंसान का उससे कोई मतलब नहीं है भूल जाओ इंसान ये, ये तुम्हारी जो भी बातें हो रही तुम सुन रहा है कि नहीं सुन रहा उससे कोई मतलब नहीं इस इंसान का ये प्रश्न तुम्हें अपने आप से पूछना है ऑनेस्टी से पूछना है क्या मैं इस इंसान को माफ कर चुका हूं सत्य रूप से पहला दूसरा क्या मैं इस रिलेशनशिप में ट्रूली रहना चाहता हूं तीसरा क्या मैं इस इंसान को कंप्लीटली प्यार कर पाऊंगा चौथा जो भी हुआ क्या मैं उसको एक्चुअल में भुला सकता हूं या मैं मूव ऑन कर सकता हूं पांचवा क्या मैं इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं इसके बिना नहीं जी सकता या मैं एक्चुअल में इसके साथ रहना चाहता हूं और मैं भूल चुका हूं आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम व्हाट हैपेंड देयर इज अ हाई लाइकलीहुड मेरे भाई तुम इस रिलेशनशिप में इसलिए हो क्योंकि तुम इसके बिना नहीं जी सकते और इसलिए तुम वो जो भी जल्लत है जो भी तुम्हारे को लगा यू नो घटिया पना द फकिंग टॉर्चर और टॉर्मेंट वो तुम सह रहे हो और वो चीज़ पैसिव अग्रेसिवली अब इस इंसान निकल रहा है कुल मिला के। तो तुम यहाँ पे जो फियर डेवलप कर चुके हो गुस्सा जो तुमने वर्ड किया इसको पैसिव अग्रेसिवनेस कहते हैं कि तुम रिलेशनशिप में भी हो तो तुम एक पैसिवली अप्रोच करो सिचुएशन को कि थिंग्स आर फाइन नाउ हाँ लेकिन अग्रेसिव भी हो तुम तो तुम कटाक्ष मारते हो तुम चिढ़े रहते हो तुम काइंड kind ऑफ of अपने अंदर एक भड़ास निकालते रहते हो जिसको तुम सप्रेस करके बैठे हो मेरे अंदर एक फियर डेवलप हो गया ऑब्वियसली वो नहीं समझ रही ब्रो अपने आप से तुम्हें यहाँ पर प्रश्न पूछना है उस इंसान से कोई मतलब नहीं है यू रियली रियली नीड टू आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चन बिकॉज तुम अगर अपने अंदर ये चीज़ खत्म कर सकते हो तो देन मे बी द रिलेशनशिप कैन वर्क एंड अगर नहीं खत्म कर सकते तो मे भी ब्रो तुम फिर टॉर्चर करो अपने आप को और एक बात में बताना चाहता हूँ ये अपने आप नहीं चली जाएंगी दे विल नॉट गो अवे हम कोई दो सौ तीन सौ साल की जिंदगी नहीं जी रहे इंसान कि तुम सौ साल बाद भूल गए हम बहुत छोटी जिंदगी जीते हैं एंड दिस इज समिंग जो लोग समझते नहीं है वेरी शॉर्ट लाइफ टेक्निकली तुम जो महसूस कर रहे हो वो दस बीस साल तक ऐसा नहीं कि तुम भूल जाओगे हो सकता है तुम उतने ही दर्द उतने ही फ्रेशनेस के साथ महसूस करो उस चीज को और वो चीज़ अंदर रहे तुम्हारे भाई मैं काटती रहे तो इस के बारे में सोचो तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम्हारे सामने और ऑप्शन को एंटरटेन करो ढंग से तुम्हें कॉन्वर्सेशन चाहिए एनर कॉन्वर्सेशन तुम और एक बार मैं बताऊंगा इसलिए कभी रिलेशनशिप में मत रहना क्योंकि मैं निकल नहीं सकता इसे स्लेवरी कहते हैं तो मैं एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूं जो भी हो दर इज अ वेरी वेरी हाई चांस तुम एक्चुअल अच्छा बहुत खुश रहोगे मैं नहीं कह रहा हूं कि प्लीज ब्रेकअप कर लो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कह रहा हूं तुम यह मत सोचो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा इसके बिना प्रॉब्लम बहुत खुश हो गए प्रॉब्लम इसके साथ भी बहुत खुश हो गए अब दोनों चीजों को समझो जब तुम ये तरह से देख सकते हो अपनी जिंदगी को अपने सामने दो चॉइसेस को कि दोनों चॉइसेस बुरी नहीं हैं, देन यू कैन मेक द राइट चॉइस बट अगर तुम पहले बायस में कह रहा हूँ यह चॉइस

तुम दस घंटे का बना रहे हो दस घंटे को तुम आ, सिंपल सा काम क्या करो चार घंटे बीबीए को कर रहे हो करते रहो म्यूजिक को तीन घंटा कर लो जिम दो घंटे कौन करता है भाई क्या बैठ के आधे घंटे का दारू पीतो क्या वहां बैठ के दो तो घंटे कौन जिम करता है भाई क्या मूर्ख वाली बातें बता रहे हो अगर इंसान एफिशिएंटली जिम को करे 40 मिनट से ज्यादा दुनिया में ऐसा कोई वर्कआउट नहीं है तो तुम्हें यू नो बैठ करने की जरूरत है तो वही बात हो गई एक रेप के बीच में अपने तुम्हारे जितने सेट्स हैं सेट्स के बीच में कितना टाइम ले रहे हो भाई मैं तुम फिर ढंग से जिम नहीं कर रहे हो दो घंटा तुम लोग तुम बैठ के मगजमारी करो आप बकरचोदी करो आप तुम्हारे जिम एक फिर एक सोशल जगह है देन इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग अगर सोशल है देन ऑफकोर्स गिव टू आवर्स बिकॉज इट्स अ सोशल प्लेस तुम जाते हो वहां पर बगचौद करते हो हाई फाई मारते हो लोगों में भी टेबल टेनिस खेलते हुए बकचो करते हो बहुत ज्यादा फिर जिम भी कर लेते हो थोड़ा सा बट एफिशिएंटली जो जिम होता है भाई वो तो 40-50 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं सकता और डेली को जिम करता भी नहीं है सेकेंड चीज तुम जितनी रिसर्चेज जितनी स्टडीज पढ़ लो सबसे एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग आउट इज डेली करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें हफ्ते में तीन से चार बार करना चाहिए तुम्हें टेक्निकली जिम तो तुम्हारा तुम जो बता रहे हो सिस्टम लो सिस्टम में टेक्निकली सिस्टमेटिकली चीज़ों को फिट करो और सिंपल क्या कर सकते हो तुम्हें अगर एक्चुअली दिल से बहुत मन करता है वर्कआउट करने का तो तुम एक होम वर्कआउट थोड़ा सा अपना साइड कर लो वर्कआउट को टू वे में स्प्लिट करो चालीस पचास मिनट जिम करूंगा सुबह मैं क्या कर सकता हूँ थर्टी मिनट्स घर पर करूंगा यार थोड़ा सा यू नो लाइक बॉडी वेट यूज कर लो कुछ पुशअप्स करो दबा के यू you नो know, या कुछ भी यार जो भी तुम्हारा लगता है कि चीज़ों को यू you नो know, एक पुशअप का पूरा वो बना लो रेजिमेंट तो उसमें तुम कर सकते हो यू नो इंक्लाइंड जितने भी होते हैं यार यू नो नेगेटिव पुशअप ये पुशअप वो पुशअप बट पूरा एक पूरा सिस्टम बना लो उसमें फट के हाथ में चौराहा हो जाए तुम्हारे चाय यू नो आर्म्स की और चेस्ट की और इवन शोल्डर्स की और उसको तुम डिवाइड कर लो तुम्हारा उससे तो तुम ये जो कह रहे हो हंड्रेड परसेंट हो सकता है तो मैं सिस्टम चाहिए इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है प्रो आराम से कर सकते हो चार घंटे म्यूजिक आराम से आई एम ड्रॉप आउट ऑफ क्लास ट्वेल्थ ड्यू टू एंग्जाइटी इश्यूज एंड एग्जाम एग्जामिनेशन फोबिया एग्जाम फोबिया लीडिंग टू एक्सट्रीम एंग्जाइटी प्लीज हेल्प तो तुम्हें एंग्जाइटी मेड्स लो पहली चीज़ क्लियरली तुम्हें एंग्जाइटी डिसऑर्डर है दूसरी चीज़ इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुमको यह समझना पड़ेगा एग्जाम्स इतनी बड़ी चीज है ही नहीं जिसने तुम्हें बना जितना तुम्हें पढ़ा दिया गया है या बना दिया गया है एग्जाम और एंगजाइटी का डायरेक्ट कोरिलेशन है यानी कि जिस इंसान जो एग्जाम के दौरान एंग्जाइटी महसूस कर रहा होता है उतना ही ज्यादा वो वर्स परफॉर्म करेगा एग्जाम में तो तुम क्या कर, कर रहे तो हो एंग्जाइटी चक्कर में वर्स परफॉर्म करोगे तुम्हें और एंग्जाइटी होगी तो तुम वही डिफाइन कर रहे हो कि तुम क्रिपल हो जा रहे हो उस चीज़ में तो भाई यहां पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पहले चीज समझना है एग्जाम जितनी बार रिपीट कर पाओ अपने दिमाग में मेरी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता जो कि सत्य है

नाइन्टी परसेंट से ऊपर वाले और वो उनसे पूछोगे दो हफ्ते बाद क्या याद रहा कुछ याद नहीं होगा उनको वो भूल चुके हैं क्योंकि तो उन्होंने सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा तो कंसेप्चुअली वो कुछ सीखा ही नहीं एग्जाम की रियलिटी समझो मेरे भाई तुम एग्जाम को इतना बड़ा बना के बैठे हो तुम्हें लगता है एग्जाम एक्चुअल में मेट्रिक है बताने का कि इंसान की औकात क्या है असली सत्य है घंटा सबसे एक बन ऑफ घटिया मोस्ट घटिया वे है इवन तुम्हारे जो मल्टी मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो तक के रिसर्चेज है वो भी बहुत कोई एफिशिएंट वे नहीं है कि इंसान को वो हो पता चले इससे बेस्ट वेज है कि भाई इंसान से कुछ या किसी किसी ना किसी तरीके से तुम क्रिएटिवली कुछ लिखवाते हो इंसान को कहो भाई अपना पूरा पेपर लिखो इस पर खुद सामने खोपड़ी बैठ के उससे करो मतलब वो चीज़ें जिसमें उसको एक्चुअल में सोचना पड़े कि उसने पढ़ा क्या एंड इस पर बहुत सारे स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी जो ये इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं जैसे तुम एक्चुअल में तुम्हें मजबूरन उठाना पड़ेगा तुम्हें एक्चुअल में समझना पड़ेगा उस चीज़ को तो मानव भाई इज्स ए सिंपल एज दैट जिंदगी में दूसरी बात में बता देता हूँ इंडिया में हो सकता है बहुत सारे एग्जाम्स और इन सब की वो कंडीशन की तुम्हें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा और ये परसेंटेज चाहिए तभी कुछ होगा बट बहुत सारे स्किल्स हैं बहुत सारे वेन्यूज़ हैं बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिंदगी में जहाँ पे तुम्हारे को एग्ज़ाम की परसेंटेज से फरनी पड़ रहा कुछ चूज करो और देखो जहाँ पे एग्ज़ाम की परसेंटेज कम हो इन्वॉल्वमेंट में चुप पिक अ करियर पिक और चूज़ में पता नहीं क्या पुक चुप बोलने वाला था पिक अ करियर जहाँ पे एग्जामिनेशन से तुम मुक्ति पा पाओ बहुत सारे करियर्स हैं परेशान ना हो अकेडेमिया के अंदर ही मिल जाएंगे तुमको अगर ना हो भाड़ में कैकेडेमिया स्किल लेवल घुसो कोई ना कोई स्किल पकड़ो जहाँ पे तुम समझ लो कि मेरे को उस स्किल में नॉलेज खा के चूरन बना देनी है तो मैं पढ़ते टाइम तो एग्जाइटी नहीं हो रही ना तो तुम पढ़ो इतना इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि तुम उसमें मास्टर बन जाओ फिर एग्जाम्स जब आए तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है तुमको एग्ज़ाम बहन जो चूरन है तुम्हारे को ये कॉम्युनिटिवली अब उसको वो करना पड़ेगा ट्रेन करना पड़ेगा अपने आपको बार 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 एग्गाम्स एग्जाम 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 को ये बोले एग्जाम कुछ नहीं है एग्जाम चून चीज़ है एग्जाम मेरी जिंदगी डिफाइन ही नहीं करता तो मैं ये चीज़ अपने आपको बोलनी पड़ेगी सौ बार वो तुम्हें लिखना पड़ेगा उसके लिए तुम अटैक मोड ले सकते हो गैंगस्टर फिलोसफी डॉट कॉम पर मिल जाएगा जहाँ पर बेसिकली बैस, बैठ के रीड एवरी डे जो पूरा पोर्शन बना रखा है न्यू मी में टेम्पलेट जो दे रखी है इंट्रोस्पेक्शन की उसमें तुम्हारी काफी हेल्प हो सकती है तो तुम्हें वो चीज रीड करनी है तुम अलग अलग तरीकों से रीड कर सकते हो उसको और फिर दूसरी चीज का कर सकते हो यू कैन स्मार्टली इसी टाइम तुम जानते हो कि तुम क्रिपल हो जाते हो एग्जाम्स और इन सब चीज़ों से अपनी जिंदगी से ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही ऐसे डिसीजन लो कि वो चीज तुमसे दूर हो जाती है स्मार्ट वे में फोकस करो जिंदगी को तो ऐसे करियर्स में जाओ जहां पर तुम पैसा है के उतना ही कमा जितना कमा सकते हो करोड़पति बन सकते हो ऐसे कुछ नहीं है सेकंड चीज है मे बी तुम लुक इनटू यू नो अगर कोई एग्जाइटी के मेडिकेशन इफ इट हेल्प्स इट मे हेल्प देन बट उसको लॉन्ग टर्म में देखना ऐसे देखो जिंदगी को ऐसे कंस्ट्रक्ट करो जहां पे एंगजाइटी अपने आप तुम्हारी रिड्यूस हो जाती है कम हो जाती है रेदर देन डिपेंडेंसी ऑन ड्रग जो कि आगे चल के एडिक्टिव हो सकती है क्योंकि सारे ड्रग्स जो होते हैं ये तुम्हारे आई डोंट थिंक कौन सा ड्रग है साइकैट्री में जो एडिक्टिव नहीं है सब में स्ट्रॉन्ग एडिक्शंस की टेंडेंसी होती है तुम्हारे जॉर्डर पीटरसन था ये भी तो एंगजाइटी मेडिकेशन में वो हो गया था एडिक्ट क्योंकि है प्रॉपर एडिक्टिव है तो ये भी चीज़ दिमाग में रखो मेरे भाई पढ़ाई से तुम्हें एग्जाइटी नहीं हो रही सेपरेशन रखो तुम्हारी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम एग्जाम है पढ़ाई दबा के करो एग्जाम को बस अपनी ऐसी चॉइसेस लो जिससे वो तुम्हारे जो सामने तुम्हें दिख रहा है जो हर्डल्स हैं उससे ही दूर हो जाएं हर्डल्स का नेचर चेंज कर दो आई होप इट हेल्प्स भाई डे ड्रीमिंग की प्रॉब्लम है मैं खुद से बात करता हूँ इनर वॉइस बहुत एक्टिव है मेरी माइंड में लोगों से बात करता हूँ और ये खुद होने लगता है और काम पर फोकस नहीं कर पाता क्या करूँ डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इट्स वेरी लाइकली ब्रो तुम हो सकता है यू नो या श्योर कर सकते हो डॉक्टर को कंसल्ट मत करो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ उनको ये बात बताओ माइंड वॉन्डरिंग कहते हैं इसको साइकोलॉजी साइकोलॉजी में या क्लिनिकल लिटरेचर में डे ड्रीमिंग नहीं कहा जाता ठीक है तब इसलिए डे ड्रीमिंग डालोगे तो मैं वो मिलेगा नहीं कि क्या बात कर रहे हो लेकिन साइकोलॉजिकल लिटरेचर में माइंड वॉन्डरिंग जब डालोगे तो तुम्हें अच्छी खासी लिटरेचर मिल सकती है माइंड वॉन्डरिंग के भाई बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं ए में इट्स वेरी प्रोमिनेंट वेरी 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 प्रोमिनेंट मैं भी करता हूँ ये बहुत ज़्यादा भयंकर डे ड्री में क्योंकि ए का सिंपल चीज़ क्या हो गई कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन प्रॉब्लम हो गई है समझ रहे हो यानी कि तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे हाथ में नहीं है तुमको मिला के ये कह रहे हो तो तुम कोई कहानी रच रहे हो अपने दिमाग में तुमको स्टोरी सोचने लग जाते हो तुम वो कॉन्वर्सेशन कैसे हुई और तुम्हारा कंट्रोल नहीं इस चीज़ में तुम ये चूज नहीं कर रहे हो कि उसके बारे में बैठ के सोचते हैं तुम्हें तुम जगते हो कि अबे ये क्या कर रहा था मैं अबे मैं फिर से कर रहा हूँ अरे मैं इतनी तेज़ बोल रहा हूँ अरे लोग सुन सकते हैं मुझको हम जब छोटे थे समझ लो मैं मुझे याद नहीं मैं कब से कर रहा हूँ ये चीज़ झाड़ भर गया था आज तक ये चीज ना जानने वाली मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है होए जितनी होनी है लेकिन तुम्हें एक चीज ऐसे समझनी है ये चीजें जितनी होनी हो तुम एक स्केड्यूल में अगर अपने आप को ले आओ और अगर आप स्केड्यूल में बस वो जो घंटा तुमने नियुक्त किया है उस टाइम में उस चीज को एक प्लेफुल वे में कर पाओ तो तुम उड़ा सकते हो तुम्हारी अटेंशन क्या है अटेंशन वो चीजें ले जा रही हैं जो तुम्हारा दिमाग चाहता है सोचना तो एक बहुत बड़ा क्या आ गया एलिमेंट जिसे कहते हैं इंटरेस्ट तुम्हारा दिमाग माइंड वॉन्डरिंग में कोई भी ऐसी चीज में नहीं जा रहा जहां पर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्ट बड़ा वर्ड है तो तुम हाइपर फोकस कहां कर रहे हो जहां पे इंटरेस्ट है उस लड़की से प्यार वो चीज कर रहा हूं मुझे फेम चाहिए मुझे आई डोंट नो इतना पैसा है मेरे पास इस एक्ट्रेस को डेट कर रहा हूं नो तुम लाइक like, दुनिया में कुछ, किस चीज में आदमी डेटरिंग कर रहा है इंटरेस्ट के हिसाब से होगा जो भी इवेंट तुम्हारी जिंदगी पर उसी का राउंड होगा दूसरा मे बी नॉवेल्टी वो चीज नहीं है तुम्हारी जिंदगी में नई चीज में ब्रेन अटेंटिवनेस ज्यादा पे करता है तो इंटरेस्ट और नॉवल्टी समथिंग दैट इज न्यू एंड इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग सडनली तुम्हारा ब्रेन हाइपर फोकस करेगा ए वाले इसलिए रिलेशनशिप में उनको तुरंत प्यार होता है कितने लोग होते हैं उनको एक चीज पूछते ना अभी आपसे भाई मुझे एकदम से प्यार कैसे हो जाता है और फिर इतना सौदा प्यार होता है और फिर वो चला जाता है एकदम से इंटरेस्ट नॉवल्टी

इसको नींव बना पाओ सो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं यहां कि तुम एग्जाम्स की तैयारी प्यार, करो स्कूल में हो तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट हो तुम ऐसे लाइन में रखो कि मैं इस चीज को कर रहा हूं तो मुझे यह मिल रहा है इस चीज को करने से मुझे वाहवाही मिल रही है यह चीज को करने से मैं मास्टर इंटेलिजेंट इंसान बन जाऊंगा तो मैं किसी ना किसी तरह की कि इसको इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन में पुट करना है जहां पे तुम्हें फिजेंडली उस चीज को करने में तुम्हारे दिमाग को रोमांचक या इट विल फील स्लाइटली एक्साइटेड जो भी चीज़ बोरिंग है अगर तुम्हारा दिमाग एडीएस या एग्जेक्टिव फंक्शंस की को प्रॉब्लम है अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तुम अटेंड नहीं कर पाते चीज़ों को ज़्यादा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुम्हारे को खेलना ऐसे दिमाग से कि उसको एक इंटरेस्ट तुम पैदा कर देते हो कि अब इसमें मज़ा आ रहा है हाँ इस चीज़ को सॉल्व करते हैं क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरी जिंदगी में मुझे वन परसेंट कुछ मिल जाता है उसको गेम में ट्रांसफर कर सकते हो यू कैन गेम इट कि ये चीज़ करने से कोई अचीवमेंट जो अनलॉक हो रहा है मल्टीपल वेस थ्रू विच यू कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स एंड यू कैन क्रिएट इंटरेस्ट जो अभी इंटरेस्टिंग नहीं है चीजें समझ रहे हो छोटू सो so, परेशान मत हो जो भी सब्जेक्ट हैं किसी ना किसी तरह के गेम में उनको घुसा दो मेक दम अ पार्ट ऑफ ग्रेन अ गेम कोई स्टोरी लाइन क्रिएट कर दो समझिए स्टोरी लाइन तुम सिंपल क्रिएट कर सकते हो भाई मेरे को दुनिया में सबसे ज्यादा अचीवमेंट फेम अगर फेम चाहिए तो भाई मुझे फेम चाहिए मुझे फेमस होना है स्टोरी लाइन क्रिएट कर दी तुमने और उसके लिए मुझे ये ये चीजें पार करनी पड़ेंगी और उसके लिए जो मैं अभी कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऐसा करते हैं एक घंटा इसको करते हैं ऐसे गेम खेलो एंड दी थिंग्स वर्क तुम्हें गेम करना पड़ेगा तुमको एंगेज करना पड़ेगा और तुम्हें अलाउ करना है ठीक है माइंड वॉन्डरिंग होती है इट्स ओके तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बाकी के दिन को एक सिस्टम में डालना पड़ेगा जिससे कि जब जो चीजें स्केड्यूल्ड हैं वो मैं जब माइंड वॉन्डरिंग कर रहा हूं तो वो निकलना चाहे इट्स एज सिंपल इज दैट और वो नहीं निकलेंगी अगर तुम उनको स्केड्यूल करके बैठे हो और तुम्हारे पास रिमाइंडर है अलार्म क्लॉक है चीजें हैं एक सिस्टम है जो तुम्हें याद दिला देता है कि ए स्नैप आउट ऑफ दिस अभी इधर फोकस कर दूसरी चीज माइंड वॉन्ड्रिंग में अगर तुम किसी ऐसी चीज को वॉन्डर कर रहे हो जो अब ऑब्सेसिव हो गई है और तुमको हर्ट कर रही है तुमको हार्म कर रही है तो तुमको उसको उसके अगेंस्ट फिर एक्टिवली काम करना पड़ेगा क्योंकि वो फिर कैटेगरी में आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के यानी कि लेट्स से तुम्हारे को लाइक like, क्लास में कोई क्रश है या तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है अब तुम पूरे दिन वही सोचते रहते हो डे ड्रीमिंग या माइंड वॉन्ड्रिंग उस लेवल पर कर रहे हो कि तुम इमोशनली अब चोट मार रहे हो अपने आप को तुमने चीथड़ उड़ा दिए परखच्छे उड़ा रखे हैं अपने भाई लौड़े लगा रखे हैं तुमने तो क्या हो गया अब ये चीज को तुम्हें क्या करना है कि भाई इसको मुझे सॉल्व करना है वहां पे अब तुम कंप्लीटली डिफरेंट जगह जा रहे हो तो अटैक मोड अगेन तुम्हारे गैंगस्टर फिलोसफी डॉट कॉम पर मिल जाएगा तुमको वहां तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन पे जाना है और उसके तुम्हें चीथर उड़ा देने हैं और फिर तुम्हें रीड एवरी डे पर जाना है वहां पर तुम्हें सारी लर्निंग्स लिखती हैं लर्निंग्स क्या होता है क्या होता है ये सारे मैं मॉडल सेट करने वाला हूं मैंने पूरी लाइव स्ट्रीम करी है वहां पर तुम्हें और ढंग से एक्सप्लेन किया है तो तुम्हें वहां पर भी और हेल्प मिल जाएगी समझ रहे हो तो एक चीज को समझना माइंड वॉन्डरिंग भी दो प्रकार की है पहले प्रकार की है जो हार्मलेस है क्रिएटिव है लेट्स लेट्स जस्ट कॉल इट क्रिएटिव क्रिएटिव तुम बहुत हो दोस्त मुझे नहीं पता थिंक अबाउट इट मे बी यू हैव वेरी हाई क्रिएटिविटी यू हैव हाई ओपननेस तुम्हारे जो तुम्हारे को तुम मे भी तुम राइटर हो हु तुम किसी तरह के तुम्हारा एक्सप्रेशन स्ट्रॉग लेकिन दूसरी तरफ आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हो गया जहां पे तुम हाइपर फोकस कर रहे हो प्रॉब्लम्स में यूर थिंकिंग अबाउट थिंग्स जिनको तुम्हें जेन्यली नहीं सोचना चाहिए और जो तुम्हें हार्म कर रही कर रही हो, तुम हर्ट कर कर मतलब के बिल्ड रहे हो अब। बे मतलब के बिल्ड कर रहे हो और तुम सपने देख रहे हो क्योंकि तुम इतना सोच रहे हो कि वो सपने में आ रही तुम्हारे, तुम, तुम लाइव स्ट्रीम चेक करो भाई है उस पर एडीएसडी के लिए ही मैंने अटैक मोड बनाया है। so, अभी मैं और मॉड्यूल्स इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ई के लिए जो फुल फ्लेजेड मॉड्यूल्स है ना या फुल फ्लेजेड सोल्यूशन चाहिए वो थोड़े से मोर एक्सटेंसिव है जो अभी है वो काइंड ऑफ न्यूरो टिपिकल लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है बट न्यूरो तुम्हारा थोड़ा डाइवर्जेंट जब ब्रेन हो जाता है उसको क्या होता है वो न्यूरो टिपिकल चीज़ों से निकल लेता है बहुत जल्दी वो होता है उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हमेशा ताकि वो कहे कि हाँ मैं इस एक्स्ट्रा के अंदर खेल सकता हूँ तो टेंशन ना लो भाई मुझे अपने पर्सनल मुझे आपसे पर्सनल काउंसलिंग चाहिए I mean बट बस ऐसे एक ही प्रॉब्लम है पर वो थोड़ी बड़ी है आपको मैं प्रॉब्लम कैसे पर्सनली बताऊं बताऊ पर्सनल काउंसलिंग अब नहीं करता भाई माफ करना मुझको माफ करना तो या पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग भाई आप नहीं करते लेकिन यही कर रहा हूँ प्रो तुम देख ही रहो जान डाल रहा हूँ भाई इसमें जितना ज्यादा मैं कर पाऊ उसको मैं करता हूँ तो एक बात मैं तुम्हें दिल से पता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग सब में कोई पैसा ऐसा कुछ है नहीं तो मैं बहुत जेनवन बता रहता हूँ तुम अभी व्यूज़ देख लो एक सेकंड रुकना भाई सात सौ लोग सात सौ लोग गिन के नहीं देख रहे भाई एक मिलियन का चैनल है भोसडे के सात सौ लोग नहीं देख रहे अभी दूसरे चैनल मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर पकड़ पकड़चोती वाली तो वो चीज़ समझो यार इसमें कोई बीस समथिंग व्यूज़ आएंगे तो यार ये धंधा काइंड ऑफ मैं कर रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि इट कीप्स मी शार्प इट कीप्स मी वेरी शार्प एंड आई एंजॉय इट एंड इसमें एक्चुअल रियल चैलेंज इसी में है बाकी मेरा दिल जो कहेगा करना वो है कि सोशल कॉमेट्री करो मैं सोशल टॉपिक्स पे बातें करूँ उनको तो डिफरेंट परस्पेक्टिव से देखना स्टार्ट करूँ एंड वो करूँ लेकिन ये जो तुम बता रहे हो उसका सबसे हार्ड मोड होता है बैठ के फ़ोन पे किसी से दो घंटा बात करना बिकॉज इट चेक्स यू आउट पूरे दिमाग की परखचोड़ा देता है प्रो वो बहुत बहुत ड्रेनिंग हो जाता है तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता भाई इतनी मेरे ना जान नहीं है कि मैं मैं अपना पूरा एक दिन सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन पे दे दूँ एंड दैट्स व्हाट इट मींस वन सिंगल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑन अ फोन मींस तो मारे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे बट मेरा पूरा दिन आउट हो चुका होता है एंड वो पूरी एनर्जी मैं एक कॉल के लिए मैं नहीं कर सकता जो कि मैं एनर्जी बहुत सारी चीज़ों के लिए दे सकता हूँ सो इट्स अ फकिंग यू नो चॉइस मैं उसमें यू नहीं कर सकता ब्रो भाई काम करते रहना और क्या कर रहे हैं भाई थैंक यू भाई तुम भी करते रहो काम करते रहो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काम ही है मम्मी नार्सिसिस्ट हैं अंकल अथॉरिटेरियन है इनकी वजह से ओसीडी और डिप्रेशन हो गया है सितंबर में बीबीए के लिए टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ लेकिन डर लगता है वहाँ अकेले और डिप्रेशन हो जाए तुम इतना नेगेटिव सोच ही क्यों रहे हो मे भी इसको तुम देखोगे भाई हमें को फ्रीडम मिल रहा है जीवन में मे भी मैं वहाँ पर क्या करूँगा कंप्लीट एक चीज समझो दिमाग को जो बोलोगे जो दिमाग कहेगा वो हो जाएगा मैं एक जेन्यून बात बता देता हूँ तुम्हें दिमाग को बोलो भोसड़ी बो के डिप्रेशन हो जाएगा मुझको यार मैं वहाँ जाऊंगा वहाँ चीज़ें इतनी खराब होंगी वो इंसान जो मा कुछ लोग होते हैं ना साथ बैठो बगल में वो कहेगी यार वहाँ ये खराब होने वाला वहां ये खराब होने वाला उसको तुम किसी भी सिचुएशन ले जाओ चाहे कि कितनी अच्छी चीजें चल रही हो वो वही देख रहा है उसमें खराब क्या होने वाला है और अगर अच्छा ही अच्छा दिख रहा होगा तो वो चुप रहेगा थोड़ा सा भौचक्का सा रहेगा कि उसमें चीजें चुनी हुई क्यों नहीं है अंडरस्टैंड कि तुम अपने दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन डालते हो और अपनी बकरचोदी जो तुम्हारा दिमाग प्रोड्यूस करता है उसको कैसे देखते हो बहुत मैटर करता है वो सो so, अगर तुम्हारा दिमाग यह तुम्हें कह रहा है कि मैं हो जाऊंगा या फिर वो चीज खराब हो होगी फिर मुझसे कोई बात नहीं करेगा वहां पे ये नहीं करेगा तो मैं समझना है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट हैज़ हैपनिंग इन योर लाइफ चीज़ें खराब रही हैं इसका मतलब ये नहीं चीजें खराब होंगी दूसरा चीजें खराब रही हैं इसका मतलब ये नहीं तेरे हाथ में नहीं है कि बहुत बड़ी पार्ट ऑफ लाइफ तू अच्छा बना सकता है सो so, अभी तक तो चीजें खराब रही क्योंकि मां बाप तुम्हारे इंचार्ज थे तुम्हारी जिंदगी के मेजोरिटी ऑफ योर लाइफ के तू कह रहा है मैं बाहर निकल रहा हूँ घर से यानी कि मेजोरिटी ऑफ योर लाइफ जो आज से होने वाली है उसके इंचार्ज अब वो नहीं रहेंगे तुम हो गए इंचार्ज सो मे बी यू हैव द क्लियर ऑप्शन कि मैं अपनी जिंदगी को क्या बनाना चाहता हूँ नाउ इसको हम कैसे परसीव करते हैं भाई आराम से सोच कि मैं अपने टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा अपनी जिंदगी में आज से और दूसरा मैं सर्वेलेंस लाऊंगा चाइना से भी भयंकर अपने दिमाग पे मे बी मेरे अंदर कुछ नेगेटिव थिंकिंग टेंडेंसीज हैं जो कि मेरे को बे मतलब मैं हमेशा नेगेटिव कंक्लूजनस या कॉन्सिक्वेंस के प्रति पुश करती हैं मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली मुझसे कहता है चीजें खराब होने वाली हैं जिसकी वजह से अच्छी खासी चीज को भी मैं वैल्यू नहीं करता हूँ जो अच्छी चीज चल रही है उसमें मुद देता हूँ उठा के हुनोस हु नोस तीसरी चीज अगर ये बहुत ज्यादा है तो मे भी भाई मैं अपनी जिंदगी में इतना बेहतर करूंगा जितनी जल्दी हो सके मैं साइड इनकम देखूंगा मैं चीज़ में मास्टरी करने की हासिल करूंगा ताकि मैं दबा के पैसा कमा पाऊं ताकि मैं एक बहुत ढंग का थेरेपिस्ट ले पाऊं जो मेरी नेगेटिव टेंडेंसीज या न्यूरोटिसिज्म या मेरे को अगर कोई डिसऑर्डर है किसी प्रकार का उस पर काम कर पाऊं मैं उसको सॉल्व कर पाऊं पैसा सुपर पावर है पैसा सुपर पावर है इससे बड़ी बात मैं बोल नहीं सकता तुम सबको ये बात समझते नहीं हो अपनी जिंदगी में झोंक दो पैसा कमाने के लिए बड़े से बड़े गुरु बड़े से बड़े तुम्हारे जगह बड़े से बड़े सल्यूशन बड़े से बड़े ज्ञानी लोग एक्चुअल में बड़े प्यार से बैठते हैं जिन लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और जो बहुत सारा पैसा डोनेट करना चाहते हैं मैंने ये जिंदगी देख ली जरा एक बार जितने भी गुरु जितने भी लोग इंडिया में हैं बहुत बड़े बड़े एक बार उनके जितने भी जगहें हैं वेन्यूज़ हैं उनके तुम अगर चीज़ें चेक करो तो सबसे बढ़िया जो जगहें होती हैं ये तो कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो उसमें तुम ये सब कर सकते हो लॉजिंग क्या है सब काफ़ी एक्सपेंसिव है मैं नहीं कह रहा वहाँ पर चीज़ें फ्री भी नहीं होती होती हैं पर तुम्हें देखो कि उन्होंने एक सेट कर रखा है भाई और उनके प्रिवेलेज देखो फिर काफ़ी प्रिविलेजेस हैं तुमको तो किसी भी तरह की थेरेपी चाहिए यानी कि तुम्हें आयुर्वेद में भी तुम्हारे को आ, आयुर्वेद हो गया हिंदुज़म में मेडिटेशन से लेके योगा से लेके तुमको बहुत सारी चीज़ें अगर सीखनी है मैं नहीं कह रहा भाई तुम फ्री में नहीं सीख सकते हो सीख सकते हो भाई देखिए मैं कह रहा हूँ भाई ऐसे ऐसे करोगे तो कंफर्टेबली सीखोगे तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें यू नो यू कैन अवेल एंड हैव सीन दिस और साइंटिफिक थेरेपी जितने भी हो गए बढ़िया से बढ़िया थेरेपिस्ट कॉस्ट मनी दे कॉस्ट मनी भाई एंड बेनिफिट सबके हैं दुनिया में कोई भी इंसान कहे कि सिर्फ इसके बेनिफिट हैं उसके नहीं है उससे कभी सुनना मत तो उससे दूर रहना वो कुछ बेच रहा है हर चीज़ के जो कि एग्जिस्ट कर रही है उसने जीवन में किसी ने किसी को बचाया है तभी वो बची हुई है और वो प्रॉस्पर कर रही है मैं हर चीज़ इन द सेंस में थेरेपीज और ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट्स की बात कर रहा हूं जो भी ट्रीटमेंट लोगों को ख़त्म कर रहा है वो बाय इट्स वाइप आउट हो जाएगा समझ रहे हो तो किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ परसेंटेज में या तो किसी इंसान को सांत्वना मिल रही है या किसी को प्रसिबो मिल रहा है या किसी ना किसी लेवल पे किसी ना किसी तरह की हेल्प मिली है यानी नुकसान नहीं हो रहा इतना ज़्यादा तभी इंसान वो या वो चीज़ टिकी हुई है और सबसे बढ़िया जो थेरेपियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं जिनका तुम देखोगे सबसे ज़्यादा इंसान अवेल कर रहा है वो पैसे से आती हैं इसलिए तुम्हारे घर में कभी कोई एक्चुअल परेशान हो जाए तुम दो सेकंड में हॉस्पिटल भागते हो हॉस्पिटल अच्छे से अच्छे अच्छे से अच्छे पैसे से आते हैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर पैसे से आता है अच्छे से अच्छी थेरेपी थेरेपिस्ट पैसे से आती है मेरे भाई फोकस कर ये चीज़ रख ले कि मे बी अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटिमेंट कि अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है लेस से न्यूरल लेवल पे प्रॉब्लम है मे मेरे को एम कराना पड़ेगा एम नहीं सॉरी एफ कराना पड़ेगा ठीक है ब्रेन इमेजिंग करानी पड़ेगी उससे मेरे को हो सकता है पता चल पाए हु नोज कि न्यूरो साइंटिस्ट में बता पाए कि हाँ यार यार न्यूरो एक्चुअल में होता नहीं है सर डजेंट एक्सिस्ट कि तुम्हारे न्यूरो इन साइंटिस्ट तुम्हारे को इतना पैसा खर्च करके तुम्हारे से ब्रेन के बारे में बता रहा है अनलेस वो न्यूरो न्यूरोलॉजी हो जहाँ पे अगर तुम्हारे को कोई ब्रेन में ट्यूबर है या कुछ है वो चीज़ अलग हो गई या तुम्हारे को अफेजिया है या फिर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है जो डॉक्टर बता रहा है मैं बट आई डोंट थिंक तुम्हारे यू नो कोई गुस्से की प्रॉब्लम या गुस्से का तुम्हारा कॉजेशन लोकेट करके बताएगा जो कि एग्जिस्ट करता है ब्रेन तुम्हारे यू नो एनाटमी में गुस्से के भी रीजन्स होते हैं जो कि न्यूरो साइंटिफिक इन नेचर तो मैं कहूंगा मेरे दोस्त हर्षल भाई हंड्रेड ऑफ हंड्रेड यूनिवर्सिटी में तुमने तो एडमिशन लिया कंग्रेचुलेशन्स माता जी को अपने डायग्नोज करना छोड़ दो पिताजी को डायग्नोज करना छोड़ दो ठीक है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है तो मैं समझ सकता हूँ आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय अथॉरिटेरियन यू नो बिकॉज अथॉरिटेरियन इट्स वेरी लाइकली वो भी तुम जो कह रहे हो टेक्निकली नार्सिस सिस्टी हुए ना फिर तो आई नो बट ये होप मत करो अपने लिए कि मुझे डिप्रेशन हो जाएगा नहीं तुम ये होप करो कि मैं किंग कॉन्ग बनूंगा ये सेंटिमेंट मैं तुम्हें दे रहा हूं अगर मेरे को कुछ भी मानते हो तो अपनी आत्मा में सेंटिमेंट को इंटीग्रेट करो और आगे बढ़ते चले जाओ आगे बढ़ते चले जाओ कुछ भी सामने आए कुचल दो कहो मैं किंग कॉन्ग बनूंगा मेंटल हेल्थ में किंग कॉन्ग बनूंगा और मैं किस तरह से बनूंगा मैं अकेला होके नहीं बनूंगा कोई भी इंसान जो सोच रहा है मैं अकेला होके चल पाऊंगा जिंदगी में वो सिर्फ उसके टांग कटी है और वो पिस गया है तुम बनोगे बाय द हेल्प ऑफ मैनी बाय द हेल्प ऑफ मैनी तुमको दोस्त मिलेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे तुमको कुछ लड़कियां भी मिलेंगी जो कुछ टाइम पे बहुत मदद करेंगी हो सकता है आगे चोट मारते हैं वर्क ना करें बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है कई लोग मिलते हैं जो कि हो सकता है घटिया साबित हो आगे चल के बट उन्होंने बहुत हेल्प करी तुम्हारी इस टाइम में तुम्हें उस जगह से निकलने में हम इतने सारी चीजों का और एफर्ट्स का और लोगों का और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होते हैं जो हम कभी रियलाइज नहीं करते हैं हम अपने दिमाग में एक फैलेसी रखते हैं कि हम सब खुद से बने सब कुछ प्रोडक्ट ऑफ मैनी थिंगस अराउंड यू जिन्होंने तुम्हें हेल्प किया फेसिलिटेट किया तुम क्या बनोगे उन्हीं में एक डायवर्जन क्रिएट करो कि भाई इसी में एक आती हैल्प वीगॉस्की की एक थ्योरी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इट्स वन ऑफ द बेस्ट वर्किंग थ्योरीज साइकोलॉजी में वो सिंपल सी बात ही करिए तेरे अंदर भूता एक लिमिटेड ही है उखाड़ लेने का जीवन में उसके बाद तेरे को एक इंसान ढूंढना है जो तेरा बाप है उस पर्टिकुलर फील्ड में वो फिर तेरे बूते को मल्टीप्लाई कर ले जाएगा यानी कि अगर मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ अपने घर पे कर रहा हूँ और अगर मैं एक ट्रेन ट्रेनर हासिल जिन सिंपल हायर कर लेता हूँ बहुत ही एफिशिएंट ट्रेनर तो जो बॉडी बिल्डिंग मैं घर में कर रहा था उसका जो स्केल था और जो मैं सिंपल एक ट्रेनर के अंडर कर रहा, रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा परफॉर्मेंस में मेरी या आउटपुट में जो कि ट्रेनर मेरे को वो जो नॉलेज देगा वो जो चीज़ें रूटीन बताएगा वो जो मेरे सर पे बैठेगा वो जो मेरी हेल्प करेगा वो जो मेरे को जिस तरह से हो सकता है मैं 10 सेट सॉरी दस रेपिटेशन uh, कर पाता हूँ मेरे को 12 तक लेके जाएगा वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन वे में, में कर पाएगा वो हो सकता है मेरे सेकंड सेट करे वो मेरे हल्का सा आलस कम कर दे वो मेरे को इतना ऑप्टिमम कर देगा मेरी सिचुएशन को कि मेरी ग्रोथ इतनी भयंकर हो जाएगी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर तो एक थेरेपिस्ट एक ट्रेनर एक किसी भी तरह की हेल्प समबडी हु इज़ बेटर देन यू वो कहां से मिलता है पैसे से मिलता है हायर करने से मिलता है इसीलिए पैसा कमाओ इसीलिए को कोई भी जिंदगी में कोई चीज सीखनी हो मच बेटर है खरीद लो ये बात मुझे अब समझ में आई है खरीद लो ज्यादा चौधरी मत बनो ज्यादा मत कहो मैं खुद से सीख लूंगा लंड नहीं सीखोगे तुम कुछ सत्य ये बोल के आदमी घुसड़ी का वही काम करने लग जाता जो उसको लगता मैं कर रहा था वो तो मुझे नहीं करना चाहिए कितने लोग होते हैं रोज सुबह कहते हैं मुझे ये स्किल सीखना है मुझे स्किल सीखना है मुझे खुद से करना है अरे हम किसी कोई कोर्स नो खरीदें कोर्सेस अवेलेबल हैं जो तुम्हें थोड़ा सा पच्चीस हजार देना पड़ेगा पचास हजार देना पड़ेगा बट तुम नहीं तो रहा है छह महीने बाद मिलना भोसड़े वाले से और उस इंसान से मिलना जिसने वो पच्चीस का कोर्स खरीद लिया वो कोर्स खरीद के उसमें कोई जॉब वॉब पा के अपने कहीं स्टेब्लिश भी कर चुका होगा ये इंसान एग्जैक्टली exactly वहीं बैठा होगा जो छह महीने पहले बैठा था एग्जैक्टली वहीं कुछ नहीं किया होगा उसने यही तो फर्क है भाई बखचौद क्वेश्चन मत पूछो मुझसे यू हैव हैट दिस गिव लीडरशिप टू योर सिस्टम पुट योर इमोशंस बिलो दैट डजेंट एड मेक ये रोबोट होते हैं क्या बक यार मेरे पर टाइम नहीं है। फालतू बखचौदी का एकदम मैं लोड़ू क्वेश्चन पूछ रहे हो यार तुम कैन बी मेरे का बैलेंस ऑब्वियसली भाई मैंने कहा रोबोट बन जाओ

अबे आने देना तेरे को क्या फर्क पड़ता है आने दे मैं खुद स्टडीज डांस ड्राइंग पोएट्री इनमें काइंड ऑफ अच्छा हूं बट स्टिल लोगों गर्ल्स को लुक्स नहीं मैटर करते हैं लुक्स ही मैटर करते हैं तो वो देख के सेल्फ कॉन्फिडेंस होके भी लो हो जाता है इसके लिए क्या करूँ जलसी बोलो होनी तो चाहिए स्टडीज डांस ड्राइंग पोइट्री इनमें ये लंबा गेम है ठीक है लौंडिया का गेम लंबा गेम है अब समझना मेरा इसका मतलब मतलब क्या है ऐसा नहीं है लड़कियां लेकिन ये जरूर हो सकता है तुम जहां भी इन्वायरमेंट में हो जो लड़कियां तुम्हें पसंद आती हैं वो ऐसे ही हो ये मत बोलो लड़कियां जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे से बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं इंसानों में बहुत वेराइटी है तुम्हारे में भी चॉइस ऐसी है जो तो सबसे सुंदर पॉपुलैरिटी बेस्ड लड़की हो जो कि पूरा जिसके पीछे ग्रुप भागा पड़ा है जो कि एक्चुअली हमने आपको पता नहीं क्या समझ के बैठी क्योंकि उसके पीछे पूरा ग्रुप पीछे पड़ा हुआ है जो भी जिसको लौंडा देखता वो है वो हठाया हुआ है उसके लिए तो वो क्या कर रही है भाई उसका क्राइटेरिया यही है और तुम कह रहे हो ये नहीं मिली तो लड़कियां साली ऐसी होती हैं ये बकवास मुझसे मत करो भोसड़ी के वाली चीज दूसरी चीज जितना अपने आपको लुक्स में बेटर कर सकते हो करो भाई वर्कआउट करो अपने पे काम करो तीसरी चीज लड़कियां जीवन का अंत नहीं है तो ये पहला जो मैंने बोला ना वो तीसरे को बहुत हेल्प करता है कोई ना कोई मिल जाएगा बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी थोड़ा सा अपना अगर ये रख रखा है अपने दिमाग में मेरे को तो टेन आउट ऑफ टेन चाहिए या एट आउट ऑफ टेन चाहिए मे बी थोड़ा सा नीचे करो अच्छा इंसान देखना स्टार्ट करो और इंसान से शुरू हो बात करना लड़कियों से बात करो दोस्ती करो और एक चीज़ अपने दिमाग में बताओ जब मुझे कोई अच्छा दिखेगा तो मैं देखूंगा मेरे अंदर भी हर एक किसी के पीछे घुस जाने की वो नहीं है कोई ऐसी मर यू नो डेस्परेशन लड़की का गेम कुल मिला के मेरे भाई लड़की का गेम तुम लोग समझते नहीं हो बहुत हद तक कॉन्फिडेंस पे है हम झटुए हैं एक नंबर के देखने में ठीक है मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने कितनी लड़कियां निकाली हैं वो क्यों है क्योंकि भाई हम मरे नहीं झटुए नहीं बने हम कभी मैं सच बताऊं जिम कभी नहीं गया मैं अपनी जिंदगी में अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं मैं बता रहा हूं लौंडियाबाद बो मादरचो बनो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई मैंने एक सिंपल चीज नोटिस करी कॉन्फिडेंस बहुत फर्क डालता है और कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है फेक करने से नहीं आ पाता भाई अनफॉर्चुनेटली मेरे को जेनवनली जिंदगी में झांट फर नहीं पड़ा आए आओ या जाओ अब ये चीज क्योंकि इतनी ओरिजिनल थी मेरे अंदर इतनी ऑथेंटिकली थी कि इसलिए पता नहीं क्यों लड़कियों को फर्क पड़ता था इससे बहुत ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी में हमेशा से चार चीजें रही हैं तभी मैं यहां पर बैठा हूं आज मुझे कुछ बड़ा था मेरी जिंदगी में अपने सामने मैंने अपनी जिंदगी अपनी अस्तित्व को किसी बड़ी चीज से बांध रखा है एक लड़की मेरा मीनिंग डिसाइड नहीं कर सकती एक लड़की से रिश्ता मेरे मेरी मेरी जिंदगी का मतलब डिसाइड नहीं कर सकता मैं कुछ भी नहीं हूं इफ आई एम रिड्यूस टू अ हजबेंड आई एम नथिंग देन आई डोंट इवन क्वालिफाई माई सेल्फ एज एनी थिंग अगर मैं हसबेंड हूं इफ आई एम ए बॉयफ्रेंड आई एम एब्सोल्यूटली नथिंग धुंध हूं मैं बहन मिट्टी भी मुझसे बड़ी है फिर तो तुम्हारे दिमाग में मे बी बॉयफ्रेंड का रोल इतना बड़ा है तो तुम लंडन लगोगे अपने अस्तित्व को झाड़ भर की जिंदगी बनी जिंदगी है।, है शादी जो नहीं की और सिंगल है, वाला जिसको लगता है लड़की मिल जाए जिंदगी सारे पूरे हो जाए जितने लोगों को भी लड़कियां मिली हुई हैं जो कि शादी शुदाएं उनको नाचते हुए देख रहे हो क्या तुम्हारे लॉजिक हिसाब से दुनिया के सबसे खुश इंसान वो मर्द होना चाहिए जिसको लड़की जिससे शादी होगी जिसकी एक साल बाद उसकी शक्ल देख लेना भोसले वाले की नाश्ता हुआ दिख रहा होता है दिख रहा है तुम्हें एकदम तुम ब्रेक डाउंस कर रहा कर रहा भाई तुम लोग को पता नहीं कह और मिसिंग आउट मे बी वो रियलाइजेशन वाई केरियसली एक सेकंड में तुम देख के रियलाइज कर सकते हो कि इसमें भी जितनी हाइप क्रिएट कर रखी थी चूठिया मूवियां देखी और मेरी जो बायोलॉजी ने कर रखी वो सच नहीं है इनके भी लौड़े लगे हुए हैं मे बी जो सैचुरेशन पॉइंट था जितनी फैसिनेशन थी जितना भी हाइप था वो साला एक साल में आके सब समझ में आ जाती है उन समझता है ये भी भी नॉर्मल जिंदगी हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया ये भी रूटीनली बन गया है ये भी कोटेडियन शिट बन गई है मेरी जिंदगी का असली मतलब अगर ये होता कि लड़की मिल जाए तो खुश हो जाओगे तो बेटी जो सारे ग्रंथों में सारे फिलोसर ने यही बताया होता ना जिंदगी में एक्चुअल में आंसर आ रहे हैं। हम तो छूटे थे जो ये सब ज्ञान के पीछे जा रहे थे मतलब के पीछे जा रहे थे पर्पज के पीछे जा रहे थे अरे हमको तो बस लड़की सेट करनी थी एक कितने लोगों ने लड़के सेट करी होती है भुसपुर शक्ल देखे लग रहा था सब मिल गया अब उसकी बात नहीं कर रहा हूं फैसिनेशन की एक्साइटमेंट की जो घू जानू उसकी बात नहीं कर रहा हूं उनकी भी तो लॉन्ग टर्म में गाड़ा फटी होती है उनकी भी तो लॉन्ग टर्म में गाड़ा फटी होती है मेरी बात समझो यह सोल्यूशन नहीं है इससे मुक्त हो जाओ जिस चूतिया ने यह बता दिया है कि शादी सोल्यूशन है जिंदगी का वो ना तो चूचिया काट दिया पे जिसने बोला शादी ना करना सोल्यूशन है वो भी चूतिया काट रहा है शादी एक फंक्शन है एग्जिस्टेंस का हम सीरियल मोनोग लोग होते हैं होमोसेपियन सीरियली मोनोग होते हैं हम मोनोग नहीं है सीरियल है यानी कि जब हम जिस रिश्ते में रहते हैं वहां मोनोगी निभाते हैं प्राइमेट्स क्या हो गए क्या होते हैं जो कि एक टाइम पे एक इंसान के साथ रहते हैं नॉट एक इंसान के साथ जानवर के साथ या जो भी उनकी स्पीशीज है और वो मर जाते हैं उसी के साथ वन पार्टनर ओनली ह्यूमंस आर नॉट दैट स्टार्टिंग से लेकिन आज तक हम कभी ऐसे नहीं रहे लेकिन हम जिन पार्टनर के साथ जिस टाइम पे रह रहे होते हैं हम उनके साथ लॉयल रहते हैं तो हम सीरियल मोनोगी प्रैक्टिस करते हैं ठीक है तुम जिसको भी देख लो सीरियल मनागे प्रैक्टिस करते हुए तुम्हें चीज नोटिस करो कि एक फंक्शन है जो अपनी जिंदगी निभा रहे हैं इससे एक्जिस्टेंशियल सोल्यूशन नहीं निकलते जो इस वह में है कि तुम्हे को एक्जिस्टेंशियल सोल्यूशन निकल जाएंगे वो उसका चूतिया कटेगा बहुत बड़ा भयंकर लेवल पे तो शादी क्या मुझे नहीं करनी चाहिए बहुत गहराई से सोचना तुम सीरियल मनाओगे भी तुम्हारे अंदर है तुम्हें चाहिए एक इंसान और इसके बेनिफिट्स बहुत भयंकर हैं साइकोलॉजी में साथी के इसका मतलब ये नहीं कि शादी ही शादी हमने बस एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है एक साथी के बेनिफिट्स मोर्टेटी पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है अनगिनत रिसर्चेज है। हैं साइकोलॉजी में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए हैं जिन्होंने कोशिश किया रिसर्चर्स ने जिन्होंने काइंड ऑफ कोशिश की कि कि हम इसको इस रिसर्च को फाइनली अब हटा पाएं इस जो पूरा माइंड बना हुआ है इसको हम चेंज कर पाए नई रिसर्च जितने जितनी बार रिसर्च करते हैं वो रिजल्ट वही आते हैं बेनिफिट्स हैं भाई तो कोशिश करते रहते हैं करते रहते हैं वो चीज़ें क्योंकि इतनी स्टेलर है उसका तुम्हारे बायोलॉजिकल उसके मोर्टैलिटी के साथ हेल्थ के साथ इतने मार्कर्स सा अटैच्ड हैं कि जितनी बार भी वो करते हैं ये सोच कर हैं कि हाइपोथेसिस ये होती है कि हम ये प्रूव करेंगे कि एक्चुअली में सिंगल इंसान भी रह सकता है ये हो वो ये हो में उनको बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं साथ में किसी के क्या वो साथी कम्युनिटी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है इंसान को साथ चाहिए बहुत करीब करीब वे में होता क्या है सिंगल जब इंसान होता है तो वो करीबी मिट जाती है तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दोस्त हो सकता है पचास हो बट वो तुम्हारे एक साथ करीब नहीं है तुम रात को अकेले सो रहे हो तुम सुबह अकेले उठते हो तो दिल हल्क हल्का हल्का प्रॉब्लम होने जाती है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती है लोगों को बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है तो ये है रियालिटी होमोसेपियंस की एक्जिस्टेंशियल रियलिटी लाड़ नहीं है ये यहां से जो सुख चाहिए एक रीजन है ना अध्यात्म सत्य है जीवन का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सत्य अध्यात्म है एट दी एंड सारी फिलोसफी बड़े पहले पैसा कमाओ करोड़पति बनो मटीरियलिज्म uh, ये वो ये वो सब जब घूम घाम के आपके हम हाथ चुधा लेते हैं तुम्हारे अंदर आत्म सुख पे ये है जीवन समझ रहे हो अब एक सेकंड रुको यार हमारे पास कॉल आ रहा है भाई देखें क्या वक्त चौथी जल्दी यहाँ पे साला आदमी काम भी नहीं करने देता एक सेकंड आई एम लाइव क्या 15 मिनट्स, yeah. okay, okay. cool, cool, cool. <sighs> हाँ या वेर आर यू ओके ओके बिलकुल हाँ भैया और तुम्हें अगर खुशी की बात करनी है बायोलॉजिकल यू नो उसके अगर पर्पस के हिसाब से देख लो बच्चे बहुत ज्यादा खुशी प्रोवाइड करते हैं बींगस को क्योंकि हमारे एवोल्यूशनरी रीजन यही है टू अ लार्ज डिग्री तुम कॉग्नेटिवली ग्रो कर चुके हो तो मीनिंगफुली ग्रो ग्रो कर कर चुके तो कर चुके हो हो तो तो एक्सिस्टेंशियली इसको फंक्शन रख लो अब Broadly, मैं साइंटिफिकली आंसर नहीं दे रहा हूं मैं यहां बहुत ब्रॉडली बात कर रहा हूं अगर जीवन में इंसान का सौ प्रतिशत कोई मीनिंग हो सकता है बहुत खूबसूरती से भरा एक्सिस्टेंस का तो पच्चीस प्रतिशत रख लो अब हो गया है प्रोक्रिएशन सौ प्रतिशत नहीं रख सकते क्योंकि इंसान के पास सोचने की क्षमता है जानवरों ने म्यूजिक क्रिएट नहीं किया अभी दुनिया का सबसे सुंदर म्यूजिक बजा दू तुम्हारे सामने तुम बैठ के रोने लग जाओगे वो इंसान ने क्रिएट किया है जिसे कोई एवोल्यूशनरी रीजन नहीं है भाई तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपने एवोल्यूशनरी रीजन, रीजन भी है हमारे अंदर ऑपरेट करता है तो यस बच्चे जो खुशी और सेटिस्फैक्शन और जिस लेवल का पर्पस और मीनिंग देंगे उसमें वैल्यू है है उसको तुम डिनाई कर ही नहीं सकते कोई बात डिनाई नहीं कर सकता कोई माँ डिनाई नहीं कर सकती भाई वो एक एवोल्यूशनरीली जुड़ा हुआ है वो तुम्हारे अंग से आया है फाड़ देगा तुम्हारा ऊपर से नीचे तक नोशन जिंदगी को देखने का उससे भी लेकिन तुम डिसोसिएट हो हो सकते हो क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्लेक्स है अब मादर भी करते आपसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई कॉन्ग्रेचुलेन सब लोग कॉन्ग्रेचुलेन कहो मंदीप भाई को कि भाई अपनी एक्चुअल में काफी स्केल ब्रॉड कर नो लाइक डायवर्सीफाई कर पाए हैं अपने इंटरेस्ट को और इतने सारे टॉपिक्स को जिसपे वो बातें करते हैं अब प्रो सम पीपल आर जस्ट टू सो स्मूथ विद कॉन्वर्सेशन नो मैटर हू द पर्सन इज हाउ डीव दैट आई कैसट ऑन वॉट टू आस्ट दैम वॉट टू मेक डीपर रिलेशन विद दैम स्पेशली वेमेन तो तुम्हारा एक सिंपल रख लो ये गोल हो गया ठीक है भाई मैं कैसे हो जाऊँ कि कॉमर्सेशन में मैं बस फ्लो कर रही चीजें एक पल का जीना रित कमीना ठीक है भाई ये गोल है तो तुम एक पहले गोल ड्रॉ करो उस गोल के बाद देखो भाई इसमें टेनेट्स कितने है। हर क... हैं हर चीज को क्या तुम पता कभी मुझे चीज समझ आती तुम चीज को परसीव कैसे कर रहे हो कुछ लोग करते हैं तुम्हें क्या लगता है भोसड़ी के वो जो कर रहे हैं वो एक स्किल है ना अब यहां पर ऑफकोर्स पर्सनैलिटी मैटर्स हो सकता है उनके जब छोटे थे घर में इस तरह का एनवायरमेंट था कि वो लैंग्वेज डेवलपमेंट सोशल इकोनॉमिक क्लास ये सब बहुत चीजें हैं जिनसे न्यूरोलॉजिकली फर्क पड़ता है न्यूरल तुम्हारा ब्रेन जैसे यू नो फॉर्म होता है उसमें फर्क पड़ता है लास्ट न्यूज लेटर में मैंने गैंगस्ट्राफ फिलोसफर गैंगस्ट्रॉफसफी डॉट कॉम जाओ अटैकमुट तो न्यूज लेटर में लिटरली यही रिसर्च मैंने शेयर करी लोगों के साथ पूरा पूरा न्यूरो साइंस का रिसर्च पेपर शेयर किया जहाँ पे भाई सिंपल लैंग्वेज स्किल्स होते हैं वो बहुत बेटर होते हैं जो लोग अमीर घरों से आ रहे हैं उनके न्यूरो साइंस की रिसर्च है साइकोलॉजी की नहीं तो ऑफकोर्स कुछ लोगों के पास एडेड एडवांटेज रहेगा मेरे भाई ठीक है पहली चीज हो गई एडेड एडवांटेज दूसरी चीज आ गई फिर से प्रिंसिपल उठाते हैं अटैक मोड से ही एफर्ट परफॉर्मेंस तू अगर सिंपल मैट्रिक्स बना ले एफर्ट परफॉर्मेंस ठीक है और ठीक है भाई आउटपुट रख ले हम एंड में आउटपुट में फोकस नहीं करना और तो भाई डेली बेसिस पे इसको एक चार्टेड वे में परस्यू करने लग जा तो फिर देख तेरे को पहला तूने क्या खुद ही बोला डिमार्केशन क्या भाई टॉपिक्स नहीं मिलते अरे भाई टॉपिक्स कहां मिलेंगे आज मैंने तुमको न्यूज़लेटर में तीन टॉपिक्स दिए आपा से तुम्हारा मैंने शेयर किया ट्रॉमा की डेफिनेशन तुम्हारे एस्ट्रोनॉमी का एक टॉपिक शेयर किया और एक न्यूरो न्यूरोसाइंस के टॉपिक शेयर किया आने वाले न्यूज़ से मैं भी मैं छह टॉपिक शेयर करूँ होल मेरा आइडिया यही है न्यूज लेटर शेयर करने का कि भाई तुमको बहुत तगड़ी तरह से क्यूरियोसिटी मैं फोकस करूँगा और मैं इस एक प्यार में मैं चाहता हूँ तुमको एक रोमांटिक मिस्ट्री या एक रोमांटिक रिलेशनशिप में फंसाना भाई और उसका मेरा यही है कि तुम जहां फंस गए इस प्यार में नॉलेज से तुम फिर देखो तुम्हारा तुम देखो जो लोग भी इंसान बहुत सारे टॉपिक से स्मूथली बात कर पाते हैं वो दो चीज़ें कर रहे हैं या तो वो फेंक रहे हैं या फिर वो जेनवली क्यूरियस इंसान है जिनका सीखने का और बात करने का वार्तालाप करने का बहुत ज्यादा मन करता है जिस इंसान के पास बात करने के स्किल्स बहुत बढ़िया हो लेकिन बात करने के लिए कुछ नहीं हो उसको चूतिया ही कहते हैं क्योंकि बात करते टाइम बहुत हो सकता है वो बहुत अच्छी बातें कर ले और वो हो सकता है बहुत अच्छा इंसान भी हो तो जहां तक वो स्कोप है जहां पर भाई बहुत अच्छा इंसान अच्छी बातें कर रहा है यानी हर कोई फील कर रहा है यार अच्छा इंसान है दिल से बहुत अच्छा इंसान है ख्याल रखता है हमेशा पूछता है कि तुम कैसे हो हमेशा टाइम देता है और हमारी बातें सुनता है उधर पे इंटरपर्सनल स्किल्स पे इमोशनल लेवल पे वो इंसान किल कर देगा तू कह रहा है लेकिन टॉपिक्स कहां बात करने के लिए वहां पे उसकी फटके चौरा हो जाएगी तुम कह रहे हो एक इंसान टॉपिक्स में एनरिस्ट है वो इंसान भाई वैसा तभी बन सकता है अगर वो टॉपिक्स खा रहा है बहुत सारी चीजों से और वो चीजें तभी हो सकती हैं अगर वो क्यूरियोसिटी से आ रही हैं तो तेरे को क्यूरियोसिटी ह्यूमन है इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट इन पर काम करना पड़ेगा अगर तू लड़की पटाने के लिए करना चाहता है तो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि लड़की पटाने के लिए ब्रेन को बहुत लेवल के कार्टवील मारने पड़ेंगे उसको कन्विंस करने के लिए कि मेरे को भाई जेन्यन क्यूरियोसिटी मेमिक करनी है ताकि मुझसे एक दिन लड़कियां पट पाए लौड़ा लौड़ा दैट्स लाइक सेइंग कि भाई नोबेल प्राइज जीत लेते हैं ताकि लड़की पड़ जाए जीत पाओगे भोसड़ी के नहीं ना मे बी देखो अंदर दिल कहां लगता है तुम्हारी एक आत्मा है तुम एक बींग हो मे बी तुम्हारे इंटेलेक्चुअल कुछ इंक्लीनेशन होनी चाहिए कुछ चीजें हैं जो तुम्हारा दिल कहता है मां माँ चुदाए दुनिया ये क्या है सब कुछ गया मां माँ चुदाने ये चीज क्या है भैया कोई चीज तो होगी तुम्हारे जिंदगी में जिसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया हो उस चीज के प्रति घुस जाओ उसमें अब उसको चखो खाओ उसको वो है इंटेलेक्चुअल कंजम्पन फिर उसके साथ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनो देखो बाकी चीजें कितनी है तीसरा चीज आता है इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरपर्सनल स्किल्स का भाई सिंपल डायरेक्ट रिलेशनशिप है कितना पढ़ते हो तुम कितना पढ़ रहे हो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद तुम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स का जो इंसान बहुत ज़्यादा रीडिंग रहा है तुम देखोगे बहुत अच्छी तरह से वो बात भी कर पाएंगे वो उनका सिंपल देखो ना वो कैबलेरी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो चुकी होगी सेंटेंस स्ट्रक्चर वो खा खा के खा खा के इतनी सीख चुके हैं जैसे कोई वो हरी क्योंकि इतना पढ़ते हैं वो तो वो सेंटेंस उसके दिमाग में है अपने आपको एक्सप्रेस कर पाएंगे तीसरा चीज तुम एक नोट ऐड कर लो सिंपल मैं एज एन एक्सरसाइज चीजों को सिंथेसाइज करूंगा यानी मैं जो भी पढ़ रहा हूं मेरा एक धर्म क्या बनता है मैं एक नोटबुक लूंगा और उसमें आज क्या पढ़ा उसको एक एक्टिव रिकॉल तरीके से नोट्स बना लूंगा वरना तुम भूल जाओगे जो कि तुम पढ़ रहे हो तुम नोट्स बनाने में क्या कर रहे हो एक्सप्रेस कर रहे हो ना अपनी भाषा में तो तुम एक्सप्रेस करना सीख रहे हो ना अपनी भाषा में फिर क्या करो लोगों से बातें करो उन सब चीजों के बारे में जितना ज्यादा जानोगे चीज़ों के बारे में उतनी ढंग से बातें कर पाओगे फिर तुम्हें देखना इमोशनल इंटेलिजेंस फिर तुम्हें देखना सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है यानी कि तुम जब बातें कर रहे भाई इंसान को कितना पता है मुझे कितना बोलना चाहिए कि चीज़ पर ऑफेंड हो जा रहा है कहाँ पर मुझे चुप बोना है ये चीज़ क्यूज से आते हैं इंटरपर्सनल क्यूज होते हैं ये सामने वाला कब निकलना चाह रहा है कॉन्वर्सेशन से कई लोग होते हैं वो देख ही नहीं पाते भोसड़ी के वो बकचोदी कर पड़े रहते हैं सामने वाला कह रहा है अच्छा 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 तो ये क्या है क्यूज है क्यूज पढ़ना सीखना पड़ेगा टाइम लगेगा रेपिटेशन के साथ सीजिए कब इंसान चुनना चाहता है कब इंसान बैठना चाहता है कब इंसान का एक्चुअली मन कर रहा करा बोलेगा बोले पड़ा सामने वाला सुनना नहीं चाहता ये क्यूज है लर्न करने पड़ेंगे माई आइडिया फॉर स्टार्टअप इज डन बाय सम अदर फर्म या yeah, सो so, माँ चुदा को आइडिया फिर एज सिंपल इज दैट आई एम मीन डिलेमेट टू गो विद इट और नॉट तुम अगर एक वन आइडिया वंडर इंसान हो एंड दिस इज दिस अपलाइज टू ऑल ऑफ यू जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है अगर तुम्हें लगता है मेरा आइडिया किसी और के पास है तो पहली चीज़ तुम लीगल बैटल में एंटर करने की सोच रहे हो द सेकंड तुम उस आइडिया को लॉन्च करते हो अगर तुम्हारे आइडिया में हल्का सा भी पोटेंशियल आता है पहली चीज़ तुम्हें कोई इन्वेस्टर बैक नहीं करने वाला कोई भी इंसान पैसा नहीं डाले दस पैसे का सिंपल से बातें एक चीज़ एक्जस्ट करती तो है और दूसरी चीज़ तुम योर ओपनिंग योर सेल्फ अप टू लीगल बैटल चौथी चीज मार्केट में कोई चीज एक्सिस्ट करती है तो तुम्हारी क्यों खरीदेगा छठी चीज अगर या पांचवी चीज जब तुम अपने आपको आंसर समझते होते मैटर समझते हो, हो तुम्हारा धर्म बनता है तुम्हारे पास सो आडिया हो कम से कम और सौ में से एक सौ एक फिर फिफ्टी सेवन तुम्हारा बहुत गजब आइडिया होगा मनी मनी आइडिया थिंक ऑफ आइडिया माई फ्रेंड मेड प्रोजेक्ट अमेजिंग बाई कॉन्ग्रेचुलेन्स I'm likely going to fail hard, okay, but I'm going to try every last thing possible. Bad fucking anxiety though, the stress is real because I need to justify the money. I get it, bro. I get it. You know, if you sun pao to maybe integrate all the anxiety with insane amount of meditation and yoga, and I'm to say scientifically the amount of research, the amount of evidence that yoga. Or तुम्हारे सिंपल मेडिटेशन से मेडिटेशन प्रैक्टिस से और तुम यह यहाँ पर टाइप कर सकते हो तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो मैं नहीं कह रहा कि भाई ट्रांसडेंटल करो यू you नो know, ये करो वो करो गाइडेड मेडिटेशन है गाइडेड मेडिटेशन मुझे लगता है कम्प्लीटली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लगता है मुझे यहाँ पर यू नो एक औरत बहुत ही अच्छी आवाज़ में तुमसे बता रही होगी बस ये सोचो न थिंग दिस एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक आई अंडरस्टैंड यू नो बट इट्स लाइक बी इट्स वॉकिंग अ पाथ जो कोई और तुम्हारे सेट कर रहा है गाइडेड मेडिटेशन बट उसके भी एविडेंस हैं इट वर्क्स आई नो गाइडेड मेडिटेशन इंडिया से आता है कि नहीं आता एनी मैं ये कहूंगा मेडिटेशन किसी ना किसी तरह के आई आई डोट नो फिर तुम ऑलरेडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बट अडोप्टेड अडॉप्ट कर लो मेरे भाई और बफर uh, करो यू हैव टू थिंक कि अगर मैं स्ट्रेसफुल एन्वायरमेंट में रह रहा हूँ हाउ मैनी स्ट्रेस फ्रींग थिंग्स एम आई क्रिएटिंग इन माई लाइफ बाय माई सेल्फ जो कि बफर करेंगी उस स्ट्रेस को इट्स लाइक अ बैटल थिंग ना तो ये चीज मैं एक्टिवली करता हूँ मेरा दिमाग पता है कैसा है मैं अगर ना मुझे ऑप्शन मिले तो मैं मैं चौबीस घंटे काम कर लूंगा मैं एक घंटा भी नहीं सोऊंगा बट दैट्स स थिंग राइट कि फिर मेरे को अपने दिमाग को कहना छूती है तू कल काम नहीं कर पाएगा ना फिर परसों काम नहीं कर पाएगा ना तो मेरे को एक्टिवली वो चीज़ें ढूंढनी है अगर मेरी लाइफ में स्ट्रेस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है कि क्या चीज़ें मैं क्रिएट कर सकता हूँ जिससे मैं तफर खुद ही इन्वेंट कर रहा हूँ जो चीज़ों को कम करें ताकि मैं कल फिर से काम कर पाऊँ परसों काम कर पाऊँ इट्स लाइक दैट भाई सो आई होप यू नो जो भी तुम कर रहे हो ब्रो आई होप इट टर्नस आउट वेल फॉर यू अटैचमेंट प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ इससे मैं अनुभव होने के बाद नहीं निकल पाऊँगा या खुद से और कुछ अलग करना पड़ेगा एक हाउ टू टैकल इंसल्ट हाउ टू ग्रो फ्रॉम इट अब इट डिपेंड्स ऑन यू कितनी देर तुम इंसल्ट को होल्ड करना चाहते हो अपने पास और उसमें से वैलिड कितना है जो इंसान मैं एक बात बताना चाहता हूँ दो तरह से जीवन देखने के तरीके हैं एक हो गया इंटरनल एक हो गया एक्सटर्नल एक तुम जितना एक्सटर्नली जी रहे हो जितने भी तुम्हारी परसेंटेज हैं चीज़ें टेंडेंसीज इन्वेस्टमेंट जो एक्सटर्नली सेटिस्फाई करना चाहती हैं चीज़ों को उतना ज़्यादा तुम्हें बुरा लगेगा चीज़ों से जितना ज़्यादा तुम इंटरनली फोकस्ड हो सोच रहे हो अपने लिए अपना मैं 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 उतना तुम्हें कम फर्क पड़ेगा इसके बियॉन्ड अब हो सकता है येस चाइल्ड हुड अटैचमेंट इन सब चीज़ों पर बहुत फर्क पड़ता है नेगेटिव परसेप्शन बढ़ जाता है चीजें नेगेटिवली इंसान ज़्यादा होल्ड करता है जिसके जिंदगी में लेते बचपन में तुम्हारे कुछ चीज़ें बहुत बुरी बोली गई थी तुम्हारे एक्सपीरियंस ऐसे थे तो तुम वो कोई भी भावना जो तुम्हें महसूस कराए तुम छोटा छोटे हो जो कि तुम्हें बचपन में महसूस कराए तो इंसल्ट तुम उन भावना को ज्यादा देर पकड़ पकड़ पकड, पकड के रखोगे एज अपोज टू अ पर्सन जो कि इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है वो छोड़ देगा दे बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम इट सूनर तो तुम्हें ये सब चीजों पर मे भी फोकस करना है वन की Chow too Uh-huh. is this? Who is this baby? Namaste. Kaya say Namaste? Skaya. Wita wita wita. Shko pook. Papa. Close the door. हाँ जी तो बेटे क्या कह रहा था मैं जितना तुम इंटरनली रखोगे उतना फायदा होगा उसके बाद बियॉन्ड आता है जो मैं बात कह रहा हूं कि रूट क्या प्रॉब्लम की ब्रो अगर प्रॉब्लम रूट की ये नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक सेंस में तुम सॉल्व कर पाओ यानी कि मैं अपने आप को कंप्लीटली रिट्रेन कर चुका हूं और अध्यात्म बहुत हेल्प करता है चीज समझना सबसे सुपीरियर चीज अध्यात्म अगर कोई इंसान उस लेवल की कॉन्शियसनेस रीच कर पाए जहां पे तुम चेकआउट कर लेते हो एक्सटर्नल गेम से यानी कि एक एक्सटर्नल गेम गया भाड़ में भाई यह हमें खेलना ही नहीं है हम खेलने एक अलग गेम कंप्लीटली अलग लेवल पे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर तुम चेकआउट नहीं कर पाए और अध्यात्म बहुत हार्ड चीज है इसलिए मैं इतने हलुए की तरफ से तुम्हें नहीं बेच सकता कि अध्यात्म करो ना आई वुडन से सो इट्स अ वेरी हार्ड थिंग इनक्रेडिबली हार्ड थिंग तो मैं कहूँगा अगर तुम्हें लगता है जेनवनली प्रॉब्लम्स हैं मैं कहूँगा पहले फोकस करो अगैन थोड़ा सा चीज़ों को जोन आउट मारो भयंकर लेवल पे जोन इन करो अपने काम पे भयंकर लेवल पे सोचो मुझे एक साल में छः डेढ़ साल में बहुत तगड़ी इनकम सोर्स चाहिए फिर अपनी प्रॉब्लम के सोर्स के बारे में रिसर्च करो फिर अपनी प्रॉब्लम सोर्सेज के बारे में रिसर्च करने के बाद देखो कौन सी पर्टिकुलर थेरेपी है जो वर्क करती है इस पर मैं कहूंगा कि अमेरिकन या कैनेडियन थोड़ा सा पैसा ज्यादा नहीं पड़ेगा ऐसा कोई थेरेपिस्ट ढूंढो क्योंकि वो एक्चुअल में एक्सपर्ट होंगे उनके पास लाइसेंस होगा उनके पास एक्सपीरियंस होगा वो एक्चुअल ज्यादा हेल्प कर पाएंगे और फिर भाई यू नो मे बी ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम दैट ठीक है सो so, मैं तुम लोग से ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को एक वो है तुम सबकी सब ऑलमोस्ट सब, मुझे लगता है पच्चीस से पांच से पचास हजार तो कमा सकते हो साइड इनकम यूट्यूब से आई फर्मली बिलीव दिस तुम लोग होंगे हंड्रेड परसेंट तुम में से कुछ खिलाड़ी लोग होंगे जिनकी औवतें और भी ज़्यादा पैसे कमाने लगी हो सकता है तुम तो लोग यूट्यूबर ही बन जाओ फुल फ्लैचड तो अगर मैं कहूँ कि सौ में से बीस तो ऐसे होंगे जो यूट्यूबर बन जाएंगे हराम जबरदस्त और अस्सी परसेंट मुझे लगता है तुम लोगों को पता नहीं है बट तुम लोगों के कैपेसिटी है तुम कम से कम पाँच से दस बीस तीस हज़ार साइड इनकम पेल सकते हो यूट्यूब से एंड उसका मैं इसलिए मैं क्योंकि मेरे लिए बहुत क्लोज है कि मैं चाहता हूँ भाई हर कोई पैसा कमाए लाइफ में दबा के और दूसरी उससे बड़ी चीज है कि तुम रिलाइज करो कितने श्रोत है पैसा कमाने जो तुमने सोचे थे कि मैं कभी कमाई नहीं पाऊंगा ऐसे ये रियलाइजेशन सेटल होना बहुत जरूरी है ये भ्रम का टूटना कि तू कितना आराम से पैसा कमा सकता है जो तो हम एक्स यू नो लाइक हम ऑलमोस्ट ग्रांटेड लेके चल रहे थे कि हम तो पैसा कमा ही नहीं पाएंगे ये भ्रम टूटना ये बहुत जरूरी है भाई और ये मैं कोर्स लाऊंगा और मैं इसको बहुत सस्ता रखूंगा मतलब लंबा चौड़ा कोर्स बनाऊंगा आई थिंक क्योंकि मेरे ये दिल से आ रहा है ये आत्मा से आ रहा है मेरे को उससे पैसा नहीं कमाना मैं ऑलमोस्ट शायद इसको तीन सौ रुपए का ही कर दूँ बस लाइक like प्रॉपर बड़ा कोर्स लेकिन हर कोई अफोर्ड कर पाए और इसमें मैं पूरी सारी ट्रिक्स जितनी है यूट्यूब की भाई कुछ पेल दूंगा हर एक ट्रिक कि तुम्हें कौन सा कंटेंट चालू करना है तुम कमा सकते हो भाई ऐसा नहीं है और मेरा एडवाइस यही होगा मैं चाहूँगा भाई उसको सब लें उस कोर्स को भाई कम से कम मैं कहूँगा जो देख रहा है भैंस वो ले और यही बात जो तू कह है ना मेरे भाई हाँ मैं पढ़ लूंगा भाई थैंक यू तो वही है। एक बार बताना तीन सौ रुपये अफोर्डेबल है एंड कोर्स फुल फ्लैजड बड़ा कोर्स होगा दो तीन घंटे का मतलब कोई छोटू मोटू कोर्स नहीं बट क्या और मैं इसलिए बनाता हूँ देखा यूट्यूब पे ऑलरेडी कोर्स एजिस्ट कर रहे हैं यूट्यूब के यू you नो know, कैसे यूट्यूब करें इवन इस्टाग्राम या सब चीज़ें कैसे करें मेरे को आती हैं बहुत ढंग से आती हैं मैं सात आठ साल से बैठा हूँ मेरा बहुत तगड़ा पैटर्न रिकगनेशन का तरीका है मतलब मेरा दिमाग बहुत तेज है ऐसा नहीं मैं चूतिया हूँ तो मेरा क्वेश्चन ये पूछना है कि तीन सौ रुपये काफी है आई थिंक सो राइट ताकि मैं हां मैं चाहता हूं हर कोई ले पाए उस पॉइंट ऑफ से पूछ रहा हूं कि इंसान जी लगा इस शुट यार क्योंकि मैं चाहता हूं तुम ऐसे तो कमा पाओ कि वो कोर्स मैं जान डाल दूंगा अटैक मोड में भी जान डाली लेकिन अटैक मोड मेरा अलग तरह का प्रोडक्ट है वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये को, कोर्स है कि मैं चाहता हूं कि हजार में फिर ले नहीं पाएंगे ना लोग हजार का क्या मैं पांच हजार का बना दू कोर्स कोर्स में इतना एक्सटेंसिव बना सकता हूं इतना कुछ कर सकता हूं उसमें बहुत सारे यूट्यूबर को बुला सकता हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं कि आवाओ प्राइस पॉइंट बढ़ाना कोई बड़ी चीज नहीं होती प्राइस पॉइंट सिंपल वैल्यू एड करो बात है कि मैं वैल्यू मैक्सम रखना चाहता हूं लेकिन मैं चाहता हूं हर कोई देख ले ताकि हर कोई यार कमा पाए भाई तो ये चीज है मेरे दिमाग में कि यू नो नहीं नहीं तीन मेरे को लगता है यार स्वीट स्पॉट है यार इंडिया में तीन सौ भोसली का पिक्चर की टिकट आती है आई थिंक उससे भी महंगी आती है तो क्योंकि मैं चाहता हूँ यार उसका ये चीज ना हो कि यू नो जो कम्युनिटी बने जो कुछ भी बने वो इजिली हो जाए सब उसी के अंदर फ्री चीज के बाद आदि मुद्द देता है अनफॉर्चुनेटली उस पर बहुत रिसर्च है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी तो थी जहां पे कितने लोग हैं कि उनके पास कोई स्किल है जो कि वो एक्चुअली में पचास हजार का सीख सकते हैं और छह महीने में अच्छा खासा वो उस चीज में आगे बढ़ चुके होंगे लेकिन इंसान क्या कहेगा मैं पचास का क्यों खरीदू चीज पैसा देकर मैं तो फ्री में सीख सकता हूं और उसको छह महीने में मिलोगे वो भोसड़ी का एक्जैक्टली exactly वही था जहां पे वो बोल रहा था मैं आई एम सॉरी जहां पर वो स्टार्ट किया था कुछ नहीं सीखा होगा तुमने क्योंकि आपने दिमाग में आप 500 प्लान बनाओगे 500 सौ पैलेसेस बनाओगे कि मैं ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा मैं खुद से खुट रखता हूं आपके आप उसके बाद देखते हो आप लौड़े हो साइमल्टेनियसली कई लोग होते हैं जिनको सीखना होता है वो वो बोलते ही नहीं है सीख रहे होते हैं ऑलरेडी मैं पैठ डिवोर्स हो गया क्या बात कर रहे हो फालतू बच्ची थी भोसड़ी के फास्तु की वक्त थी और मैं एक्चुअली में बात कर रहा हूं ऑलरेडी इंडिया में तुम्हारा जो एवी टीवी था उनका अजले जो एडिटिंग पूरी सिखाता था क्योंकि एवी टीवी का मेजरली मेरे को बाद में पता चला कि एडिटिंग का होल थिंग था उन्होंने बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाए पूरी सीरीज बनाई और उसके बाद वो एडिटिंग सिखाते थे लोगों को और एडिटिंग इस वक्त इतना बड़ा फकिंग मार्केट है तुम लोग को आइडिया नहीं है कितना कमाई है यहां पे अगर कोई लोग है ना मैं एक बताना चाहता हूं अगर तुम लोग फ्री बैठे हो और तुम लोग है कि भाई कोई स्किल नहीं मिल रहा जिससे पैसा कैसे पीट पाए पाएगा जनवन तुम्हारे अंदर इतनी वो है कि जो स्किल दे दो तो भाई आग लगा देंगे ये अगर भावना है जो स्किल दे दो तो भाई आग लगा देंगे भैया जो एडिटिंग सीख लो अगर कोई प्रेफरेंस नहीं है अपने अंदर कि मेरे को ये आत्मसुक सब चाहिए तुम्हारे है कि मेरे को आप जो बताओगे हम सीख लेंगे तो आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर प्रो तुम लोगों को आइडिया नहीं कितना पैसा है इस मार्केट में और मैं बात कर रहा हूँ ए टीवी में जो सिखाता था आई एम इमेजिनिंग वो यू you नो know, जो जो ए टीवी वाले जो एडिटिंग करते हैं वो लोग उससे मेरी बात चल रही है हम लोग कह रहे हैं आओ भाई अपना पूरा यू नो तू बना पूरा एडिटिंग का कोर्स बनाते हैं यू नो एक पूरे फिर, फिर हार्ड स्किल हो गया ना हम लोग हार्ड स्किल बेचेंगे एक और उसका भी मैं मोटा प्राइस चार्ज करूंगा लेकिन हार्ड स्किल भी और मेरे को एडिटर भी चाहिए उसके लिए बहुत ज़बरदस्त तो वो है डॉन्ट जबरदस्त है बट लेकिन वो बात की बात है आके की बात है आठ हजार रुपया बैक चाले क्या एडिटिंग कोर्स की बात कर रहे हो एडिटिंग कोर्स यार हम लोग पच्चीस पच्चीस हजार का रखेंगे और मैं अंग्रेजों को भेजूंगा एक, एक सौ डॉलर का अटैक मोड भी तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं अभी पचास डॉलर का या समथिंग का बेचूंगा अभी अंग्रेजों को अटैक मोड कंप्लीटली इंग्लिश में अभी लॉन्च होगा मेरे बात ऑलरेडी आ चुकी है इंस्टाग्राम से अंग्रेजों की हाँ हमारे लिए है कि हमने कहा भाई तभी तुमने सब नहीं डाले वरना अंग्रेजों के इसी में करके वो खरीद लें अंग्रेज मार्केट के बाद बहुत ऐसा है भाई वो डिफरेंट मार्केट है कंप्लीटली आफ्टर इफेक्ट्स आता है पैसे कैसे कमाऊं वो भी इसी कोर्स के अंदर पूरा सिखाएंगे लास्ट मॉड्यूल यही होगा कि पैसा कैसे कमाए एडिटर में इतना पैसा है लेकिन प्रॉब्लम यही है लोगों को ये नहीं पता पैसा कैसे कमाते हैं और काफ़ी लोगों को पता भी होता है यार कमा रहे हैं लोग एडिटर यहाँ पे जो होगा नीचे लिख देगा बहन जो हम कितना पीट रहे हैं पैसा बनाऊंगा मैं तीन सौ रुपये का बताऊंगा पूरा यूट्यूब का लेकिन उसके बाद तुम लोग फिर शुरू कर देना मैं तो कहूँगा सब यूट्यूब स्टार्ट करो भाई मार्केट खा जाओ यार बहुत बड़ा मार्केट है तुम लोग पता नहीं 400 -500 है चार सौ पांच सौ मिलियन व्यूअरशिप है यूट्यूब की तुम लोग को लगता है क्या इतने यूट्यूबर हैं बैठ के जो चार सौ पांच सौ मिलियन की और इंसान खाली पूरे दिन बैठा है अपेरेंटली बैठ के अपना बुंड मरवा रहा है बस तो तुम्हें लगता है क्या तुम्हारे पास ये है कि तुम सेम व्यूअर से चार या चालीस या चार सौ चैनल नहीं देख रहा हम देख रहे हैं भाई सब देख रहे हैं तुम्हें तो बस कुल मिला के एक लाख व्यूज़ चाहिए एक दिन के तुम्हारे पैसे बनने शुरू हो जाएंगे अच्छे खासे चलो भैया हम जा रहे हैं बाय नाइस टू टॉक टू यू मजा आया आज तुम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करके